सभी को प्रणाम। मैं राजेश खत्री, SCERT उत्तराखंड देहरादून। आप सभी का इस प्रधानाचार्यों की उन्मुखीकरण कार्यशाला में स्वागत है। अभी हम तुरंत आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे एक लिंक आपको दिखेगा। उस लिंक के जरिए आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस शेयर करेंगे। QR कोड या लिंक, दोनों चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चाहे QR कोड स्कैन करिएगा या फिर उस लिंक को टाइप करके, उस लिंक को ओपन करके उसमें अपनी दो तीन चीजें मांगी हुई, केवल प्रधानाचार्य का नाम, विद्यालय का नाम, जनपद का नाम और व्हाट्सएप नंबर, ये चार चीजें फिल करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। मुझे आशा है कि सभी तक आवाज आ रही होगी। तो 5 मिनट के अंदर अंदर इस तरह से आपकी अटेंडेंस जितने भी लोग हैं हमारे पास पहुंच जाएगी। और इस बीच फिर हमारे डायरेक्टर मैडम और ADSCERT भी मौजूद रहेंगे। तो 5 मिनट का टाइम हम आपको लिंक के लिए देंगे। अभी तुरंत लिंक आपको शेयर किया जाएगा। उस लिंक के जरिए आपको अपनी अटेंडेंस हम तक पहुंचानी है। आप सभी को स्क्रीन पर ये स्कैन या लिंक, दोनों चीज हैं। आप स्कैन करके भी उस गूगल फॉर्म तक पहुंच सकते हैं अटेंडेंस के लिए। और इस लिंक को टाइप, अगर स्कैन नहीं करना है तो ये लिंक हूबहू आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसा है वैसा टाइप करना पड़ेगा। और इस लिंक को टाइप करके फिर इस पे क्लिक करके आप गूगल फॉर्म, आपके पास एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस गूगल फॉर्म में जो तीन या चार, केवल चार जानकारियां मांगी गई हैं, प्रधानाचार्य का नाम, विद्यालय का नाम, जनपद का नाम और व्हाट्सएप नंबर, ये भेज करके 5 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग अपना अटेंडेंस हम तक भेजने की कृपा करें। अब हम इस अभिमुखीकरण कार्यशाला का आरंभ करते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि अब आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं और जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसमें पूरी तन्मयता के साथ प्रतिभाग करें। आपके विद्यालयों में कौशलम प्रोग्राम संचालित हो रहा है। इस समय प्रदेश के 1000 विद्यालयों में कौशलम प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। और हमने ये कार्यक्रम पिछले वर्ष से शुरू किया था, लेकिन पिछले वर्ष केवल 388 विद्यालयों में ही ये कार्यक्रम संचालित किया गया था जहां वर्चुअल लैब थी, केवल उन्हीं विद्यालयों में। लेकिन इस साल हमने 1000 विद्यालयों में इस कार्यक्रम को आरंभ किया है। और अगले वर्ष से, अगले सेशन से हम पूरे विद्यालयों में और यहां तक कि अशासकीय विद्यालयों में भी इस कार्यक्रम को संचालित करना आरंभ कर लेंगे। किंतु अभी तक इस कार्यक्रम की एक सबसे बड़ी समस्या यह रही कि हम प्रधानाचार्यों का उन्मुखीकरण या ओरिएंटेशन नहीं कर पाए इस कार्यक्रम के बारे में, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारियों और जो अन्य अधिकारी हैं उनका ओरिएंटेशन हो चुका था और शिक्षक प्रशिक्षण संपन्न हो चुका था, लेकिन प्रधानाचार्यों का अभिमुखीकरण ना होने के कारण प्रधानाचार्यों को इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी नहीं रही। इस प्रकार, इस वजह से हमें कई मामलों में या कई जगह पर उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि हम 1-1.5 घंटे का एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम इस वर्चुअल लैब के थ्रू संचालित करें, ताकि प्रधानाचार्यों को इस कार्यक्रम के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, उनको एक आइडिया आ जाए कि ये कार्यक्रम वास्तव में है क्या और इस कार्यक्रम में उनकी भूमिका क्या रहेगी। तो अब हम इस पे आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम, इस उन्मुखीकरण अभी जो कार्यशाला है या ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कौशलम कार्यक्रम के बारे में प्रधानाचार्यों को, उनको परिचय दिलाना कि कौशलम कार्यक्रम वास्तव में क्या है और कौशलम कार्यक्रम के संचालन में प्रधानाचार्यों की भूमिका क्या रहेगी। ये दो उद्देश्य इस अभिमुखीकरण कार्यशाला के हमारे हैं। तो इसके जरिए फिर हमें आपसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो पाएगा। अब इससे पहले कि हम यह कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि कुछ विद्यालयों में यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, तो हम एक एक वीडियो के जरिए एक शिक्षिका का अनुभव कौशलम कार्यक्रम के बारे में और एक छात्र का अनुभव वीडियो के जरिए सुनते हैं। तो ये जो वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि एक शिक्षिका और एक छात्र कौशलम कार्यक्रम के बारे में
अपने क्या अनुभव साझा करते हैं? मैंने खुद महसूस किया है कि बच्चों का जो बचपन है वो बाहर निकल गया है। जो बच्चे कल तक अपनी बातों को कहने में संकोच करते थे, वही बच्चे आज खुलकर अपनी बात रखते हैं। इसने एक टीचर और बच्चे के बीच के जो गैप है उसको भरने का काम किया है। बच्चे के अंदर कितनी अपार संभावनाएं हैं ये जानने के बजाय हमारा आज पैमाना हर बच्चे को तोलने का एक बन गया है कि वो पढ़ाई में कैसा है। हमें सिर्फ बच्चे के अंदर क्या क्रिएटिविटी है ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो किस फील्ड में अच्छा कार्य कर सकता है, और ये कौसलम एक जरिया बना है। मैं चाहूंगी कि कौसलम आगे ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे सिर्फ वेस्ट मटेरियल तक ही सीमित रह के ना रह जाए, और जब वो स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो उनका जो जब वो रोजगार से जुड़े तो ऐसा रोजगार वो प्राप्त कर ले कि एक सम्मानजनक व्यवसाय बने उनके लिए। और कई मैंने इस कौसलम से तो खुद बच्चों से मुझे सीखने को मिला है, जब मैं पिरुल की टोकरी मुझे नहीं आती थी तो मैंने बच्चों से सीखा है। तो मैं खुद ये कहना चाहूंगी इस कौसलम से मुझे खुद सीखने को बहुत कुछ मिला है कि बच्चों के अंदर इतनी अपार संभावनाएं हैं, और बच्चों के साथ सिर्फ हमें समय व्यतीत नहीं करना है, हमें बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करना चाहिए। और ये जो कौसलम गतिविधि है ये एक शिक्षा देने का काम कर रहा है। वास्तव में हमें अपने बच्चों के लिए इसलिए एजुकेशन इसलिए नहीं देनी है कि वो भविष्य में बहुत अमीर बने, ऐसी एजुकेशन देनी है कि बच्चा कैसे खुश रहे, क्योंकि जब वो बड़ा हो तो वो चीजों के महत्व को समझे कि उस चीजों का उसके जीवन में कितना महत्व है, बजाय इसके कि उसका कितना प्राइस है, इन चीजों को वो ज्यादा महत्व ना दे। तो मैं चाहूंगी कि कौसलम ऐसी गतिविधि है जो बच्चे के भविष्य के लिए एक सराहनीय कार्य कर रहा है, और आगे भी एक अच्छे न्यू प्रोजेक्ट लेके आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम कौसलम को आगे वाली क्लासों में संचालित करेंगे। धन्यवाद। ये GIC टंकसा से एक शिक्षिका का अनुभव था। हमें आशा है कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भी इस अभिमुखीकरण कार्यशाला में मौजूद होंगे। इसके पश्चात हम एक छात्र का अनुभव भी सुनेंगे, GIC नथुआ वाला देहरादून से। नाम बता सकते हैं? किस कक्षा में पढ़ रहे हैं आप? 10th क्लास में। किस विद्यालय में? GIC नथुआ। क्या आपने कौशलम के विषय में कुछ जानते हैं? जी हम बहुत कुछ जानते हैं। बताइएगा कौशलम क्या है? कौसलम कार्य हमें 9th क्लास में कार्यक्रम पढ़ाया गया था, अभी भी हमारा चल रहा है। 9th क्लास में बहुत सी चीजें सीखने को मिली, जैसे अपनी बिना बात रुके किसी के साथ भी आई कॉन्टेक्ट करना, अपनी बिना रुके अपनी बात बोलना, इसकी चार दूर हुई हमारी उससे, और हमें बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली। जैसे पहले मैं अपने पापा के साथ काम करता था दुकान में, तो उसमें भी मैं जैसे कोई नया ग्राहक आता था उससे बोलने में मैं हिचकिचाता था बहुत ज्यादा, और जब से हमने कौसलम कार्यक्रम पढ़ा इसमें हमें बहुत सी चीजें सिखाई गई, उसकी वजह से अब मेरे अंदर एक डर निकल गया है, मैं किसी से भी बिना रुके चार से बात कर सकता हूँ। तो क्या आप कुछ मदद करते हैं पापा जी? जी पापा के साथ जैसे कुछ घर का ही सामान होता है, जैसे कुछ खराब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी सही कर लेता हूँ मैं, और हमारा सैलून है उसमें भी मैं पापा के साथ पूरी हेल्प करता हूँ, पापा के बगल में खड़े होकर उससे हमारा पैसे भी कमाता हूँ, और नहीं जैसे किसी से बात करने में हिचकिचाता भी नहीं। कौसलम से और क्या सीखने को मिला आपको? कौसलम कार्यक्रम से यह सीखने को मिला, जैसे मैं आप खुद से ही अपने कुछ नया इन्वेंट करना चाहता हूँ जिससे ग्राहक हमारे दुकान की ओर आकर्षित हो और उससे हमें पैसा कमाने में मदद। वो आप आय अर्जन करना चाहते हैं कौसलम के द्वारा? जी। तो ये लाभकारी है क्या हमारे विद्यालय के लिए? जी बहुत लाभकारी है, इससे हमें हर क्लास में लाना चाहिए ताकि और भी बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। थैंक यू साहिब। धन्यवाद। अब हम सीधे अपने मुख्य कार्यक्रम पे आते हैं, इस PPT पे आते हैं, और इसके जरिए हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कौसलम कार्यक्रम क्यों संचालित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और प्रधानाचार्यों की इसमें क्या भूमिका रहेगी। अब सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जो माइग्रेशन कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे उत्तराखंड से लगभग 50% से अधिक जो माइग्रेशन होता है
वो केवल और केवल रोजगार के लिए होता है, और रोजगार भी ऐसे रोजगार नहीं जो जिन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं या बहुत अच्छी सैलरी वाले जॉब हो, ऐसे रोजगार के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी सैलरी के लिए हमारे युवा अपने गांवों को या अपने छोटे कस्बों को छोड़ करके महानगरों की ओर या बड़े शहरों की ओर चले जाते हैं और वहां बहुत छोटी छोटी नौकरियां करके अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि हमारे अपने क्षेत्र में, अपने उत्तराखंड में या अपने परिवेश में ही इतनी संभावनाएं मौजूद होती हैं कि हम स्वरोजगार के जरिए ही अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। अलग अलग जिलों में प्रवास की दर अलग अलग है, लेकिन सारे उत्तराखंड में अगर ओवरऑल देखी जाए तो प्रवास की दर 50% से अधिक है, और जो केवल नौकरी के लिए की जाती है, और नौकरी भी बहुत छोटी सैलरी वाली नौकरियों के लिए प्रवास किया जाता है। अब इसका हमने यह एक उपाय था कि छात्रों में ऐसी या अपने युवाओं में ऐसी मानसिकता का विकास किया जाए कि वो उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हों, या उनमें 21वीं सदी के कौशलों में दक्ष हो जाए, ताकि वो अपने लिए स्वयं ही रोजगार का सृजन कर सके, साथ ही साथ दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सके। हम अपने परिवेश में ही अपने लिए संभावनाएं या अवसर तलाश सकते हैं, ऐसी भावना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने अपने विद्यालयों में की है। अब इस कार्यक्रम का एक संक्षिप्त परिचय हम देना चाहें। ये कार्यक्रम अभी हम 3 क्लासेस में चला रहे हैं और इसके लिए एक पाठ्यचर्या विकसित की गई है। तो ये कौशलम कार्यक्रम जो है, इसके 2 मुख्य तत्व हैं। पहला, उद्यमी मानसिकता का विकास करना छात्रों में, और दूसरा, उन्हें 21वीं सदी के कौशलों में दक्ष बनाना। यदि छात्र में उद्यमी मानसिकता का विकास हो जाता है और वो 21वीं सदी के कौशलों में निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो उसके व्यक्तित्व में क्या बदलाव होते हैं वो हमने इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आगे दे रखे हैं, कि छात्र या कोई भी युवा सपने देखना, अपने भविष्य के प्रति सपने देखने और अपने चारों ओर जो अवसर उपलब्ध हैं उनको पहचानने में सक्षम हो सकता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जिसमें जिसके अंदर उद्यमी मानसिकता की भावना है या जिसको 21वीं सदी के कौशलों में दक्षता प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा युवा असफलताओं से घबराता नहीं है, निराश नहीं होता है, बल्कि असफलताओं का डटकर सामना करता है और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ता है। तीसरा, उद्यमी मानसिकता के जरिए और 21वीं सदी के कौशलों के जरिए हम एक दूसरे के, जो हमारे अगल बगल जो और लोग होते हैं, उनके नजरियों को समझते हैं, उनके विचारों को समझते हैं और उनके साथ मिलकर कैसे काम किया जाए, ये भावना हमारे अंदर विकसित होती है। तो जो हमारा कौशलम कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से 2 तत्वों पर निर्भर है, उद्यमी मानसिकता और 21वीं सदी के कौशल। और जब किसी छात्र में या किसी युवा में उद्यमी मानसिकता की भावना हो जाती है या फिर वो 21वीं सदी के कौशलों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो इसके व्यक्तित्व में ये 3 परिवर्तन आते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो अपने करियर में, चाहे तब वो कुछ भी कर रहा हो, वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो, चाहे वो नौकरी ही कर रहा हो या सरकारी नौकरी कर रहा हो, या अपना स्वरोजगार कर रहा हो, उसने अपना उद्यम स्थापित कर लिया हो, या अपने पारिवारिक व्यवसाय को ही आगे बढ़ा रहा हो, हर क्षेत्र में वो सफलता के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये इस कार्यक्रम की आधारभूत संरचना है। तो आप इन बात को ध्यान में रखिएगा कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 2 तत्वों पर ही निर्भर है, छात्रों में उद्यमिता की मानसिकता का विकास करना और उन्हें 21वीं सदी के कौशलों में दक्ष बनाना। तो ये आप इसको आप ध्यान से देखिए, अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर में इस कौशलम कार्यक्रम का औचित्य क्या है। तो इस कौशलम कार्यक्रम की शुरुआत ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर की गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें उद्यमिता के बारे में या व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है उसमें। तो उनमें 2-3 चीजें जो हमने ली हैं, एक तो विद्यार्थियों का समग्र विकास, कि विद्यार्थियों का समग्र विकास कैसे हो, उनका चरित्र निर्माण होना चाहिए और वो 21वीं सदी के कौशलों में दक्ष होना चाहिए। दूसरा,
कि जब भी अनिवार्य अधिगम या आलोचनात्मक चिंतन की बात होती है तो हमारे छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की कमी पाई जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी पाई जाती है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है कौशलम कार्यक्रम, वो छात्रों के समग्र विकास पे आधारित है कि उनके समग्र विकास को ध्यान में रख के बनाया गया है। दूसरा, उनमें आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाए, इसको ध्यान में रखा गया है। और तीसरा, ये सारा कार्यक्रम जो है प्रायोगिक अधिगम यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, करके सीखें, इस पे आधारित है। हम इस कौशलम पाठ्यचर्या में गतिविधियों के जरिए, और वो भी समूह में की जाने वाली गतिविधियों के जरिए, केस स्टडीज के जरिए, अलग अलग प्रयोगों के जरिए छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ उन्हें 21वीं सदी के कौशलों में दक्ष बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी पाठ्यचर्या है अभी जो 9वीं 10वीं 11वीं चल रही है, तो वो जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको ध्यान में रख के तैयार की गई है। अब कौशलम कार्यक्रम का स्वरूप क्या है? अभी वर्तमान में यह कार्यक्रम 1000 विद्यालयों में चल रहा है, और इन 1000 विद्यालयों में 3000 शिक्षकों को हमने प्रशिक्षित किया है। 3000 शिक्षकों प्रत्येक कक्षा के लिए, प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक यानी 9, 10, 11 तीन शिक्षक प्रत्येक विद्यालय से। और इस समय यह कार्यक्रम जो है 9, 10 और 11 तीन क्लासेज में चल रहा है। जो कक्षा 9 का जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, वो कुल 33 घंटे की है। कक्षा 10 की पाठ्यचर्या 15 घंटों की है, और ये हमने संक्षिप्त इसलिए रखी है क्योंकि कक्षा 10 बोर्ड वाली कक्षा है और वहां समय कम मिलता है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये था कि दिसंबर माह तक कक्षा 10 में ये करिकुलम पूरा हो जाना चाहिए, ताकि आगे के महीनों में वो जनवरी फरवरी मार्च में केवल अपने बोर्ड की मुख्य विषयों पर ही ध्यान दे सके। और कक्षा 11 का जो करिकुलम है वो 25 घंटों का है, 25 आवर्स का है। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में उद्यमशील मानसिकता और 21वीं सदी के उद्यमशील मानसिकता का विकास करना, और उन्हें 21वीं सदी के कौशलों में दक्ष बनाना। और इस कार्यक्रम के जरिए हम बच्चों में इस भावना का विकास करना चाह रहे हैं कि वो उद्यमिता को एक करियर विकल्प के रूप में देख सके, साथ ही साथ अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करने और नई नई चीजों को, वो अनुभवों को आजमाने का साहस, वो आत्मविश्वास उनमें विकसित हो पाए, ये भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। तो ये जो कार्यक्रम है, अब इसकी जो पाठ्यचर्या है, ये मुख्य रूप से 8 अलग अलग तत्व हैं, उन पे निर्भर है। उनमें से 4 जो है उद्यमिता की मानसिकताएं हैं, और 4 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, 21वीं सदी के कौशल। और इनमें हमने 4 सीज को लिया है जो लाइफ स्किल्स हैं मुख्य रूप से। तो ये जो आपके सामने अभी इसी बीच हमारे बीच निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उपस्थित हो गई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर में उनका संबोधन भी आपके साथ आपके समक्ष होगा। तो तब तक मैं इस स्लाइड को पूरी कर लेता हूं, उसके बाद हम हमारी निदेशक महोदया आपसे कुछ संवाद करना चाहेंगी। तो ये इस स्लाइड की बात हो रही है। तो जो कौशलम कार्यक्रम का स्वरूप है, तो ये कौशलम कार्यक्रम मुख्यतः 8 तत्वों पर निर्भर है, जिसमें से 4 उद्यमिता की मानसिकताएं हैं और 4 21वीं सदी के कौशल हैं। उद्यमिता का जो मानसिकताएं हमने ली हैं उनमें है सेल्फ अवेयरनेस, ग्रिट, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। और जो हमने 4 21वीं सदी के कौशल लिए हैं वो है कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और ट्राइंग न्यू थिंग्स। इस तरह से ये जो 8 तत्व हैं ये इस पाठ्यचर्या के मूलभूत तत्व हैं, और इन्हीं 8 तत्वों को हम छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में वो
केवल नौकरी को ही एकमात्र विकल्प न समझें, बल्कि उद्यमिता के क्षेत्र में भी अपने करियर को विकसित करने, अपने करियर को संवारने की ओर आगे बढ़ सकें, अग्रसर हो सकें, ये हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच कौशलम कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी प्रधानाचार्यों को मेरा नमस्कार। आज की जो कार्यशाला है या फिर क्या है आज अभिमुखीकरण कार्यक्रम जो है ये इसमें उपस्थित हमारे सभी प्रधानाचार्य 13 जनपद के जो उपस्थित हैं जहां पर कौशलम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मेरे ख्याल से आप सभी के स्कूल्स में चलाया जा रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी कल ही जो हमारा कोलेबरेशन जिसके साथ है एनजीओ पार्टनर जिनके साथ है उनसे मेरी बातचीत हुई थी, वो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने जो आप लोगों के साथ जो चैट हो रहा है, चैट ही तो था वो जो चैट चैट हो रहा है और डैशबोर्ड भी हमने देखा है, तो उसमें कई टीचर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन क्या 1000 स्कूल्स कर रहे हैं ये हमको नहीं पता चल पाया है ना अभी, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो 1000 विद्यालय में जहाँ पे कौशलम कार्यक्रम चलना था वहाँ पे चलना चाहिए। आज के जो आप यहाँ पर जो बताएंगे इसके बारे में आप बता रहे हैं, जितना भी आपको बताया जाएगा उसको अपने अपने विद्यालयों में आप लोगों को करना है। आपको मालूम है कि देखिए सरकारी सेवा कितने लोगों को मिलेगी, आप प्रधानाचार्य यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, मैं समझती हूँ कि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हमारे टीचर्स हमारे सब कुछ हुआ करते थे और प्रधानाचार्य तक तो हमारी पहुँच ही नहीं हुआ करती थी, तो उनसे तो हम कुछ कह भी नहीं पाते थे और इवन टीचर्स को भी हम कुछ नहीं कह पाते थे। आज तो ऐसी स्थिति हो गई कि सारे बच्चे जो हैं अपनी बातों को अपने अध्यापक से कहते हैं, अपने टीचर्स को कहते हैं, इवन अपने जो अभिभावक होते हैं वो आपसे भी वार्ता करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इतने सेंसिटाइज हो गए हैं बच्चे अपने अधिकारों के प्रति, आपने क्या पढ़ाना है, आपने क्यों नहीं पढ़ाया, ये सब क्वेश्चंस आप पूछने लगे हैं क्योंकि ये सारे बच्चे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करना और अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आना चाहिए, जो उनके राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी प्रधानाचार्य उपस्थित हैं मैं आप सभी से एक गुजारिश भी करती हूँ, एक अपील करती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि एक टीचर जो होता है उसको जो अपना अध्यापक या जो भी लीडर होता है प्रधानाचार्य होते हैं वो जो कहते हैं उसको एज इट इज उसको करते हैं, जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है। तो कौशलम कार्यक्रम भी इस चीज में जैसे उद्यमिता विकास है ना, आप वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है उसमें जैसे बच्चों के माइंडसेट तैयार करना है आप लोगों को। देखिए अभी तो हमें पता है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, हालांकि हर परिवार ये सोचता है कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं, अब नौकरियां भी कम होती जा रही हैं, तो इसमें हमारा दायित्व तो ये बन जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी रुचियों को जानते हुए अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें जो सामग्री उपलब्ध है जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन सब चीज़ों के बारे में जानते हुए उनको व्यवसाय करना सिखाना है, उनका एक तरह से माइंडसेट तैयार करना है उनको कि आप सरकारी नौकरी के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा पर्यटन बहुत अच्छा चलता है, गढ़वाल रीजन में आप ये देखते होंगे कि धार्मिक पर्यटन कह सकते हैं जो बहुत ही कुछ सीजन ऐसे होते हैं जो टाइम होता है उसमें बहुत ही अच्छा चलता है, तो हम लोग बच्चों का माइंडसेट उस ओर भी कर सकते हैं। दूसरा और एडवेंचर जो टूरिज्म है उसमें भी बहुत फोकस किया जा रहा है, टूरिज्म का व्यवसाय बहुत अच्छा उत्तराखंड में हो सकता है चाहे वो गढ़वाल रीजन हो चाहे कुमाऊं रीजन हो, तो इसमें भी बच्चों को आपको माइंडसेट तैयार करना चाहिए। और दूसरा एग्रीकल्चर, हम लोग ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे लोगों ने इतना इनिशिएटिव लिया है, चाहे वो आपका वेजिटेबल्स के लिए कहो या फ्रूट्स के लिए कहो, हमारे जो उत्तराखंड है वो बेल्ट बहुत ही फ्रूट के लिए बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, तो वैसे भी उद्योग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं या जो खाली बैठे हुए हैं उद्यमशीलता की ओर बढ़ा रहा है, चाहे होटल व्यवसाय भी इसी में शामिल है आपका, धार्मिक पर्यटन हो, टूरिस्ट का जो भी हमारे प्लेसेस हो वहाँ पर बहुत सारे, आजकल तो होम स्टेज भी चल रहे हैं, होम स्टेज ही कहते हैं, होम स्टेज भी बहुत सारे चल रहे हैं जो बहुत
अच्छा व्यवसाय कर रहा है, तो हम लोगों को अपने बच्चों को थोड़ा इन सब चीजों पे जो अपने यहाँ पर है उस ओर भी हम लोगों को देखना चाहिए कि आपको क्या व्यवसाय करना चाहिए उनकी रुचि को देखते हुए, क्योंकि उसके रुचि के अनुसार अगर हम लोग करेंगे तो वो अच्छा काम भी करेगा। अगर रुचि के विरुद्ध हम उनको धकेलने की कोशिश करते हैं या ले जाने की कोशिश करते हैं तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो बच्चे में एक साहस, जिसमें कौशलम में एक ये भी है कि साहसिक डिसीजन जिसको कहते हैं, सेल्फ डिसीजन के साथ साथ साहसिक डिसीजन भी लेने की ओर प्रेरित करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे को साहस नहीं होता है। कई बार हम भी मॉरल डाउन कर देते हैं, देखो इसका ये अच्छा नहीं चल रहा है। माइंड सेट तैयार करना है, मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यवसाय करना है तो उसमें स्टार्टिंग से कोई प्रॉफिट होने की संभावना मुझे नहीं लगती कि होती होगी। तो अगर फर्स्ट ईयर में फेल भी हो गए तो हम लोगों को आगे के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो हमको इसी तरीके से माइंडसेट हम लोगों को तैयार करना चाहिए। अभी कौशलम के अंतर्गत हमारे 100 विद्यालयों में मौन पालन का अभी स्कीम हमारा चल रहा है। 100 के कम हो गए ना अब तो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किया था या हम लोगों ने जो पीएबी में सैंक्शन कराया उस टाइम पे उद्योग डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने शायद ज़्यादा बातचीत नहीं की होगी, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। तो 100 के बजाय हम लोगों को कुछ स्कूल्स में हम लोग उसे मेरे ख्याल से 40 स्कूल्स में हम कर पा रहे होंगे। तो आगे खत्री जी जो भी हम लोग मौन पालन है या कोई भी हम लोग अपने पीएबी में रखते हैं तो थोड़ा उस डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करते हुए हम लोग अपने पीएबी में रखेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पर जितने लोग प्रधानाचार्य यहाँ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से आपके यहाँ पर किस चीज़ का हम लोग कर सकते हैं व्यवसाय, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए किस चीज़ पे हम लोग कर सकते हैं, आप लोग भी अपना प्लान हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये केवल हम जो कह रहे हैं उसी पर ही करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो करना ही करना है। उसके अलावा भी हमारे पूरे जो 13 जनपदों में अलग अलग स्पेशलिटी है, अलग अलग एरिया में एरिया वाइज बहुत सारी चीज़ों का होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या कोई भी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ जहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं कुछ चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों का प्रपोजल भी आना चाहिए, आपका एरिया वाइज क्या चीज़ आप लोगों के लिए सूटेबल है, क्या हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं। तो उस ओर हमारे कौशलम की टीम, हमारे उद्यम लर्निंग फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम सब मिलके इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। आज का कार्यक्रम ये खत्री जी ने और उद्यम ये हमारा जो साथ में हमारे एनजीओ पार्टनर हैं उनके द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, और आप लोगों से बिल्कुल रोज़ कनेक्ट भी होते हैं, प्रति सप्ताह आपसे बातचीत होती है, आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जवाब देते हैं। और इसमें एक दो क्वेश्चंस मैं देख रही थी वास्तव में जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने किया है, कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलता है इसलिए आप लोग उद्यम ये कौशलम का आप वो नहीं कर पा रहे हैं, पीरियड नहीं ले पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी लीडर को यानी प्रधानाचार्य को अगर इसको करना ही है, आपने ठान लिया, तो आप किसी भी तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं, मेरा मानना है। और मैं होती तो मैं यही करती, चाहे मैं किसी भी टाइम करती, मेरा मानना तो ये है कि आपको थोड़ा टाइम इन क्लास वालों को रोक के 30 मिनट्स आप लोग लेट कर सकते हैं, या पहले मॉर्निंग में आप जल्दी बुला सकते हैं, या 5 मिनट्स का जो भी आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे भी हमारा जो स्कूल टाइमिंग है वो 5 घंटे 20 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, और सीजन के हिसाब से हमारा समर और विंटर में भी वो अलग अलग हो जाता है। कई विदेशों में हम देखते हैं उन लोगों का तो 6 घंटे 6.5 घंटे इतने आवाज होते हैं उनके स्कूल के, और हमारे यहाँ तो 5 घंटा 20 मिनट होता है। आप सोचिए इसमें भी हमारा MDM मेरे ख्याल से जहाँ पर छात्र संख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर MDM 1 घंटे खा जाता है। तो ये स्वो मोटो सेल्फ आप लोगों को खुद से इसको खुद से अपना व्यवस्थित कर लेना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। और कई अभिभावक ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि देर से मत कर, देर तक नहीं आएंगे बच्चे, तो आपको सिर्फ मोटिवेट करना है कि कैसे आप अध्यापक के माध्यम से या आप अपने आप भी और बच्चों के माध्यम से अपने पेरेंट्स को कैसे अभिभावकों को कैसे आप मोटिवेट करते हैं।
समय ज़्यादा करने के लिए, आप आधा घंटा भी अपने स्कूल को ज़्यादा देर तक खोलिए या फिर पहले खोल दीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मैं देखती हूँ कि बहुत जगह ऐसे होते हैं जो एक घंटा डेढ़ घंटा आने जाने में, आने में एक घंटा डेढ़ घंटा, कई जगह तो ऐसे भी है किसी बच्चे को दो घंटे भी लगते हैं। बट ऐसे दो घंटे लगने वाले जो स्कूल्स होते हैं या एरिया होता है वो 100% नहीं होते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों को सोच के आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो इस विषय पे भी आप लोग सोच लीजिएगा किस तरीके से आप लोगों को जो ये हमारे कौशलम कार्यक्रम है, चाहे आनंदम है, चाहे हमारे जितने भी कार्यक्रम को आपको एग्जीक्यूट करना है, उसको आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एक सीमेंट में लीडरशिप का कार्यक्रम चलता है जो 1 मंथ का, एक महीने का हमारा एक कार्यक्रम भी चलता है, वो वर्कशॉप होती है, उसमें बहुत अच्छा आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ से सारे प्रधानाचार्य को सिखा चुके हैं और जो बचे होंगे और उनको भी हम लोग आगे ये विंटर वेकेशन में हम एक महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे, उसमें हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे। तो उसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है या स्ट्रेस मैनेजमेंट जो भी है, जो भी कह लीजिए, सारी हमारी योजनाओं से आपको रूबरू भी कराते हैं और कैसे करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट भी आपको देते हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, इस चीज़ को याद दिला रही हूँ, क्योंकि इसमें जितने लोग प्रधानाचार्य बैठे होंगे ना, जो पूर्णकालिक प्रधानाचार्य बैठे हैं, उन लोगों ने, सब लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है, उसके इतर भी जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों ने भी कर लिया है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको करने नहीं चाहिए और आपको मैनेज करना चाहिए कि कैसे आपको करना है। देखिए, हम भी जॉब कर रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर जो स्टेट लेवल पर बैठे हुए हैं, हमारा भी टाइम होता है। बट हम लोगों को इस चीज़ का कभी, हम लोगों लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग 10 बजे आएंगे और 5 बजे चले जाएंगे, आने का टाइम नहीं है, जाने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने काम से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आप लोग कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। जितनी जवाबदेही आपके टीचर्स की, जैसे एज ए फादर, एज ए मदर या एज ए पेरेंट कह सकती हूँ, आपके बच्चे के लिए उत्तरदायित्व तो आप उस अध्यापक के लिए, उस प्रिंसिपल के लिए करते हैं जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, आपकी जवाबदेही उनकी बनाते हो, आप उनसे क्वेश्चंस करते हो, तो उतना ही जिम्मेदारी हमारी भी बनती है हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं। तो उस तरीके से सोच के देखिए तो आपको अपने आप ही, खुद ही आप लोग इनोवेटिव, आप लोग प्रोएक्टिव होके आप लोग काम करने लग जाओगे। और जितनी चीज़ें यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सुनेंगे आज के इसमें, जो बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत अच्छा है। हमारा जो उत्तराखंड है, हम सबको पता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते थे, अब सब जो पलायन हो गया है, हम सबको पता है कि पलायन कहाँ हो गया है, सारा नीचे क्षेत्र में पलायन हो गया है। तो ये जो आप माइंडसेट तैयार करने की बात कर रहे हैं, जो कौशलम आपको सिखा रहा है, आपको ये बता रहा है, आप जानते हैं सब चीज़ के लिए, बट कई चीज़ ऐसा होता है ना, जब तक नहीं बताते हैं, जब तक नहीं सिखाते हैं, जब तक आपको अवेयर नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आप लोग खुद से कर रहे होंगे, लेकिन ये योजनाएँ इसीलिए बनाई जाती हैं कि कोई जो नहीं कर रहा होता है वो आगे जाके उसके बारे में सोचे, उसको अवेयर करते हुए इसको एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ मैंने बहुत सारी बात कर दी है, जिसको एग्जीक्यूट करना होता है, जो प्रॉब्लम फेस करता है उसी को पता होता है कि कैसे करना है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप सबको अपना 100% देना है और किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करके इन बच्चों को कौशलम की जो कक्षाएँ जो चलनी हैं, 36 आवर्स और कितने आवर्स हैं अलग अलग, जो क्लास वाइज जो आपका 9, 10, 11 के लिए जो आवर्स, हम लोगों ने हर हफ्ते 2 पीरियड्स की बात कही है, कम से कम 2 पीरियड आपको ज़रूर चलाना है और बच्चे का माइंडसेट तैयार करना है, उसके रुचि के हिसाब से आपको माइंडसेट तैयार करना है। तो देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके जो बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं, वो अपना उद्यम चला रहे होंगे, तो ये आपका अपना अचीवमेंट होगा। तो ये सोच के भी चलिए कि आपके अपने बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे बच्चे खुद इन सब चीज़ों में जा रहे हैं, अब सबको पता है
कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो माइंडसेट तैयार करना है। और जो प्रधानाचार्य ने कह दिया, जो अध्यापक ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर होती है। क्योंकि मैं अपने से भी, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, हमारे बच्चे खुद अगर गलत होता है कॉपियों में तो वो बिना टीचर के कहे वो सही नहीं करते हैं। ये तो आप भी मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि टीचर क्या होता है, टीचर ने जो कह दिया अगर गलत कह दिया है टीचर ने तो वो भी उसके लिए सही होता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को, आपके सराउंडिंग में जो बच्चे हैं या आपके अपने बच्चे हैं, आपके गांव के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में आप किस तरह की शिक्षा आप देते हैं या उनको किस तरह का मार्गदर्शन आप देते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर एज ए टीचर, एज ए लीडर। तो आपके टीचर्स को आपने ही, बट ऐसा नहीं है, अपने पे लेके आप लोग सोचिए कि बहुत अच्छी चीज़ें जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छी चीज़ें चला रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो छात्र हित में, सभी के हित में इसको काम कर रहा है। तो मैं पूरा, मुझे पूरा भरोसा है आपसे, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं ऑनलाइन, और आपका जो कौन कौन क्या क्या कर रहा है ये डैशबोर्ड में आ रहा है और उसको मैं भी देख रही हूँ, तो अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से रेज नहीं किए, कभी आपसे शिकायत नहीं की, और मैं चाहती भी नहीं कि कोई शिकायत करूं या कुछ आप लोगों से कुछ इस तरीके से वार्ता करूं। तो मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ को लेकर कि आप लोग बहुत अच्छा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और आने वाले दिनों में हम लोगों ने डिसाइड किया है, या हम लोगों का बातचीत चल रही है कि हमारे जितने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं, इवन हम ये भी सोच रहे हैं कि एडेड स्कूल भी होंगे तो उन स्कूलों में भी कौशलम को चलाया जाए। क्योंकि मुझे तो ये है कि आगे यही मुझे दिखता है, ये भविष्य में यही चीज़ हमको दिख रहा है कि जो हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा और अपने पैर पे अब बच्चे ये खड़े होंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर खत्री जी और हमारा जो यहाँ पर ये जो एनजीओ पार्टनर हमारे बैठे हैं, आप सबको जो भी बताएंगे उसको आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप बेफिक्र होकर अपनी क्वेरी करिए, और किस तरीके से आपको मैनेज करना है ये आप ही कर सकते हैं। जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे कि आपको उद्यम, ये कौशलम या आनंदम या कोई भी कार्यक्रम चलाना है, तब तक आप नहीं चला सकते हैं, जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे। चाहे मैं कितने भी डंडे मार लूं, चाहे मैं आपका एक्सप्लेनेशन कॉल कर लूं, चाहे मैं आपकी सैलरी रोक दूं, ये मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं। क्योंकि जब तक मैं खुद से ना सोचूं कि मुझे ये कार्यक्रम चलाना है और बहुत अच्छे से चलाना है, मैं नहीं चला सकती हूं। तो मैं पूरा उम्मीद है और मेरे शिक्षा परिवार से मेरा, मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और आने वाले दिनों में एक ही मील का पत्थर साबित होगा ये कौशलम जो कार्यक्रम है। इसको माननीय CM साहब ने भी इसको बहुत सराहना करी थी। ये जब NEP हमारा लागू हुआ था, हम लोग कुछ बता पाएंगे कि हाँ हम लोगों ने कौशलम से इतने लोगों को तैयार किया है, इतने लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं। तो मतलब ये जो व्यवसाय चलाने माइंडसेट तैयार करना है बेसिकली। और हमारा जो समग्र शिक्षा अभियान में हमारे 200 व्यावसायिक कोर्स चल रहे हैं 200 विद्यालयों में। आने वाले दिनों में हमारे मिलकर से 500 विद्यालय भी चयनित हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये 500 विद्यालय भी शुरू हो चुके हैं जहाँ पे 8 ट्रेड्स चल रहे हैं। तो मैं जहाँ जहाँ पर गई हूँ, जो हमारे 8 ट्रेड्स चल रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो क्या क्या होते हैं, वो एग्रीकल्चर है और ब्यूटी एंड वेलनेस है, टूरिज्म है, बहुत सारे हमारे हैं जो इतना अच्छा चल रहा है, बच्चे इतना उसको बहुत इंटरेस्ट लेके बच्चे काम कर रहे हैं। इवन वो बिल्कुल मैकेनिक वाला काम भी इतना वो कर रहे थे, मैं मतलब गर्ल्स स्कूल में GGIC भीमताल की बात करूँ तो वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी मैकेनिक वाला है। वो भी ऐसा नहीं है कि ब्यूटी एंड वेलनेस है या टूरिज्म है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि महिला है तो केवल ब्यूटी एंड वेलनेस ही करेगी, वो गाड़ी भी बना सकती है, गाड़ी भी चला सकती है। तो केवल और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने देखा है मशरूम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए केवल एक मशरूम की बात ही नहीं होता है, मौन पालन की बात है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिंगाल का वर्क है और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने अपने क्षेत्र में, वुलन का कारपेट का है चाहे वुलन का है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में इसको कर सकते हैं। आजकल तो एक वो आता है ना जो कंडाली बोलते हैं ना, कंडाली के जो रेशेज होते हैं उससे शॉल कपड़े बनाए जा रहे हैं, साड़ियाँ बनाई जा रही हैं।
तो ये सारी चीजों को हम लोग को सीखना चाहिए। और इतना जो कंडाली वाला है वो तो इतना महंगा है ना, वो आप सोचिए कि आपने काम कर लिया। अवलन भी बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, तो हम लोगों को बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए, अगर माइंड से तैयार कर पाए आप लोग और हमारे बच्चे जो हैं ये उद्यम में चले जाएं किसी में, और देखिए हमारे देश नहीं दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे अपने हिसाब से। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उसमें आपका सहयोग, आपका पथ प्रदर्शन, आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, आपका लीडरशिप, और इसमें जो लगे हुए हमारे तीन तीन अध्यापकों का लीडरशिप है। मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि जो तीन लगे हुए उनको ही पता होना चाहिए, एज अ लीडर एज अ प्रिंसिपल आपको पूरे अध्यापकों को, समस्त अध्यापकों को इसके बारे में बताना चाहिए और इस सब के बारे में, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है बहुत ही आगे जाने वाला है और बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो इस सभी को आप लोगों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू। हाँ, कोई कुछ, किसी को कुछ क्वेरी है? हाँ, किसी को कुछ क्वेरी करनी है, कुछ है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई किसी को भी ऑन कर दो, किसी को भी लाइन पे ले आइए। हाँ जी, ऐसी मछखाली, ओके, अल्मोड़ा रानीखेत जी, ऐसी मछखाली सर, यहाँ पे कहाँ कहाँ से बैठे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, ऐसी मछखाली, ओके। हाँ जी, ऐसी श्रीखेत, दो स्कूल बैठे मैम। ओके, तो आपका क्या, ओके, तो आप बताएंगे कुछ के, हाँ कुछ बताइए हमें, आपके यहाँ चल रहा है? आपके यहाँ कौशलम कार्यक्रम चल रहा है सर? जी मैडम, जी चल रहा है। तो आपको क्या, आपको क्या लगता है कि ये सही है या आने वाले दिनों में कुछ कर पाएंगे? हाँ मैम, अच्छा कार्यक्रम है अगर हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं, जैसा आपने भी अभी बताया कि जो होम स्टे का है, होम स्टे का काफी प्रचलन है हमारे क्षेत्र में घर को। हाँ। और काफी जो गार्डियंस है वो भी होम स्टे चला रहे हैं यहाँ पर। आपके यहाँ पर तो देखिए मछखाली उद्योग है, इधर पर्यटन का भी अच्छा, रानीखेत और मछखाली क्षेत्र में अच्छा डेवलपमेंट है पर्यटन से रिलेटेड भी, तो यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। आपके मछखाली में तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, और जो हमारे टीचर्स हैं वो समय समय पर बच्चों को उनके कौशल कैसे कैसे क्या काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर वो व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं अपना एजुकेशन के बाद, ये सारी चीजें okay. स्किल डेवलपमेंट का काम, ये सारी चीजें चल रहे हैं, कैसे वो डिसीजन ले सकते हैं, कैसे अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत जो सिलेबस है उसमें काफी कुछ दिया गया है, उसके आधार पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, देखिए इसी तरीके से आप लोग को सोचना है। मेरे, मैं आप सभी से ये अपेक्षा करती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ उसके अलावा भी आप लोग सोच सकते हैं। और कोई विद्यालय? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खेरी कला, हेलो, हेलो, अभी आवाज आ रही है सर, बात कीजिए। हेलो, बोल रहे हैं आप सर? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। ओके, कौन सा स्कूल है? खेरी कला, उधम सिंह नगर? नहीं, खेरी कला हरिद्वार है, वर्चुअल लैब में जी, लेकिन हमारा स्कूल है महाराजपुर कला, तो पटेरा जो है उससे हैंड फैन बहुत अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो हमने बनवाए हैं बच्चों से, तो अच्छा लग रहा है, जो हाथ के पंखे होते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो एक और उससे थोड़ी मैट भी बना दी जाती है, मैट तो वो okay. फिजूल में जो है बहुत सारा खड़ा रहता है, बिल्कुल रॉ मटेरियल बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया था, तो कभी ये मुझे इस कार्यक्रम का लाभ मुझे मिला इसका। और एक हमारे यहाँ चूंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे
कि ये ऑर्गेनिक गुड़ बनाया जाए, ऑर्गेनिक के लिए सरकार से क्या, ऑर्गेनिक गुड़ उसका जो है उसमें पूरी तरह से रासायनिक खाद रहित होगा, वो गन्ना ही जो है रासायनिक खाद रहित होगा, तो उसको अगर हम बड़े स्तर पर करें तो क्या हमको गवर्नमेंट कुछ दे सकती है अनुदान? अभी देखिए सर ना, अभी तो देखो माइंडसेट तैयार करने की बात है फिलहाल, नहीं अभी ऐसा है, देखिए अभी तो माइंडसेट तैयार करना है, ठीक है? तो उद्यम में ये चीज तो हमारे इसमें वोकेशनल एजुकेशन में है नहीं ना, अब उसको हम वोकेशनल एजुकेशन में हम देख सकते हैं कि क्या सीख सकते हैं, पहले तो सीखना है फिर बाद में उसको करना है, तो हम सिखाने की बात करते हैं फिलहाल, पहले तो माइंडसेट तैयार करना है हमने, देन उसको सिखाना है वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत सिखाना है, फिर उद्यम जब करेगा तो वो फिर वो ऊपर की बात हो जाती है, तब हम बाद में उसको देख लेंगे माध्यमिक स्तर के बाद की बात है, तो इसको नोट कर लीजिए जो आप पूछ रहे हैं। और कौशलम में केवल यही चीजें भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वो सारी भी देख लीजिए। ये किताबें आपने आप लोगों के पास होंगी ना, 9th 10th और 11th के लिए है ना, तो इन किताबों को भी देख लीजिए, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। तो ठीक है, आपका अपना आपका अच्छा हो रहा है कि आपने जो कुछ सोचा है, तो बच्चे इसको कर रहे हैं तो इसको देख लीजिए क्या हो सकता है ना, तो ठीक है, थैंक यू। नहीं, जिस समय बच्चों से बात हो रही थी मैम, तो बच्चे रुचि ले रहे थे और बात कर रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत सारा है, प्रचुर मात्रा में है, बहुत सारा, तो ठीक है, ठीक ये दोनों पॉइंट आए हैं निकल के, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू, ठीक है। जी जी आई सी अंचोली। हाँ सर, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ कहाँ से बैठे हैं एक्चुअली में? एक्चुअली में मैडम मैं तो गवर्नमेंट हाई स्कूल है सिमलकोट में, वहाँ से हूँ, और बगल में सर हैं ये आठ गांव सीलिंग से, जी आई सी आठ गांव सीलिंग से। आठ गांव सीलिंग में वर्चुअल लैब है? वर्चुअल लैब नहीं है वहाँ पर? आठ गांव सीलिंग नहीं है मैडम, यही है एक्चुअली में आए हुए हम लोग। अच्छा जी, इतनी दूर आउटडाउन सेलिंग से, क्या प्रॉपर जीआईसी, प्रॉपर जीआईसी में नहीं है क्या बात? नजदीक है मैडम यहाँ से, आउटडाउन सेलिंग ज्यादा दूर नहीं है, सिमलकोट भी ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी में होंगे। तो कौशलम चला रहे हैं आप लोग? जी हाँ चल रहा है मैडम जी, वही माइंड सेट तैयार करने वाली जो बात है बच्चों को। एचओली वाले है नहीं क्या? एचओली वाले है नहीं? एक्चुअली वाली मैडम आजकल जो इस तरीके के प्रभारी वगैरह जो इन्होंने चार्ज वगैरह छोड़ दिया ना, तो इस वजह से कई लोग बैठे हुए नहीं है जी। नहीं, प्रभार छोड़ना अलग चीज है ना, लेकिन ये तो बच्चों के लिए है ना, शैक्षणिक ही है, बच्चों के लिए है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो है नहीं, ये बच्चों के लिए ही है जी, जी, जी। तो प्रभार नहीं जी। है तो प्रभार नहीं है तो जो टीचर्स थे उनको आना चाहिए था ना, पीछे कौन बैठे हैं? जी जी, पीछे कुमैया चौर से आए हैं लोग मैडम लोग जी। कुमैया चौर से मैडम है जी? हाँ, कुमैया चौर से। नहीं तो एचओली वालों को भी बैठना चाहिए ना जी, अभी बुलवा देते हैं शिक्षण। हाँ, ये तो शिक्षण के अलावा, ये बच्चों के लिए तो है, ये कोई टीचर का तो है नहीं, या ये मेरा कार्यक्रम तो नहीं है, ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए है, बच्चों का माइंड सेट तैयार करने के लिए है, बच्चे कुछ उद्यमशील बने आगे उसके लिए है, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, बच्चों में इस तरीके का साहस डेवलप करना है कि वो अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को बेकार ना समझें, आगे कुछ बहुत सारे रास्ते हैं, ये सारा बताने की चीज है ये जी। तब ये चीज अगर ये हम सोचे हाँ, कार्यक्रम चल रहा है मैडम सब जगह, पीरियड्स वगैरह सब जगह चल रहे हैं कौशलम के। ओके चलो ठीक है, तो ठीक है, आप लोग फिर अभी आप लोग कार्यक्रम करेंगे तो ये आप बताएंगे, तो उसको आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, और जब तक ये चलता रहे आप लोग बने रहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू मैम, नमस्कार, नमस्कार। ओके, अब इससे पहले आगे बढ़े, एक बार में पुनः ये जो रजिस्ट्रेशन कोड था या क्यूआर कोड, जो लोग बाद में आए होंगे वो लोग एक बार पुनः अपना एक बार रजिस्ट्रेशन कर लें, जिन लोगों ने कर दिया उनका तो हो चुका है, लेकिन इस क्यूआर कोड के जरिए या उसके नीचे जो लिंक लिखा हुआ है, या तो क्यूआर कोड स्कैन करिएगा या फिर ये लिंक जो है उस लिंक को टाइप करके उसके जरिए गूगल फॉर्म जो है उसको भरिए और अपना
रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दीजिए। तो 2 या 3 मिनट का टाइम आपके पास है, उसके बाद हम पुनः इसको अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी, वो लोग इस QR कोड अथवा लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए, ताकि हमारे पास उपस्थिति सबकी मौजूद हो सके। अभी हमारे पास 125 के करीब रजिस्ट्रेशन ही आए हैं, केवल 171 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, जब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, है ना। जितने लोग आए हैं कम से कम उतने लोग तो करा ही लीजिए, ठीक है। अटेंडेंस पता चल जाएगा कि कौन कौन रहा है, ठीक है। थैंक यू, चलती हूँ मैं। जो लोग भी बाद में आए हैं, वो 2-3 मिनट के अंदर अंदर इस QR कोड को स्कैन करके या लिंक के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें। सभी लोगों से अनुरोध है जो बाद में आए हैं, अब 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर हम फिर अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर अभी हम ये QR कोड स्कैन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ नेटवर्क के इशू बहुत है सर, और सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो जैसे आउट ऑफ से ही हो पाएगा सर। तो आप या तो फोटो खींच के रख लीजिए, या फिर इसको जो ये लिंक है उस लिंक को नोट करके रख लीजिए। ओके सर। सर फोटो हमने क्लिक कर लिया है सर, जैसे आउट ऑफ से ही हो पाएगा सर रजिस्ट्रेशन, ये ऑनलाइन की तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम है सर। ठीक है, जब आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे तो, लेकिन अगर QR कोड के बजाय QR कोड को भी फोटो खींच के रख लीजिए, या फिर उसका जो लिंक लिखा हुआ है उसको भी नोट करके रख लीजिए, बाद में जिससे भी संभव हो सके आप उससे कर लीजिएगा। जहां भी ये समस्या आ रही है, जहां भी ऐसी समस्या आ रही है, वो कृपया इस QR कोड को या तो फोटो खींच के रख लें या फिर इस लिंक को नोट करके रख लें, और जैसे ही वो नेटवर्क में पहुंचे उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें। एक बार पुनः आपका स्वागत है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अभी हम इस स्लाइड पे चर्चा कर रहे थे, तो इस पे चर्चा करने से पहले मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा, इस स्लाइड के बजाय मैं एक बार अपने स्तर पे ये कहना चाहूंगा कि आखिर में इस कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या। क्योंकि हमारे उत्तराखंड की सबसे मुख्य समस्या है पलायन, और पलायन भी छोटी छोटी नौकरियों के लिए, जबकि हम केवल अपने क्षेत्र में रहकर ही ज्यादा सम्मानजनक ढंग से ज्यादा अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम पलायन करते हैं, हमारे युवा पलायन करते हैं, और उसका एकमात्र कारण है हमारे अंदर उद्यमिता की भावना का न होना। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, हमारे पेरेंट्स के अंदर भी ये भावना थी कि पढ़ लिख के एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, चाहे जैसी भी हो, और हम भी अभी उसी भावना के अंतर्गत रहकर काम करते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, वो सेटल हो जाए। जबकि ये वास्तविकता है कि नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर किसी के लिए नौकरी उपलब्ध करना, और वो भी भारत जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश में, ये संभव नहीं है। और इसका एकमात्र विकल्प यही हो सकता है कि जब हम अपने युवाओं के में उद्यमिता की भावना का विकास करें, उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करें, और उनमें ये आत्मविश्वास भरें कि वो अपने आसपास के संसाधनों के आधार पे अवसरों को पहचान सकते हैं, और उसके आधार पे अपने लिए और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो ये कौशलम कार्यक्रम की जो मूल भावना है वो यही है। हम इस कौशलम कार्यक्रम के जरिए छात्रों में ये भावना भरना चाह रहे हैं कि नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो कौशलम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये केवल इस मानसिकता को हटाना है छात्रों से कि नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है, वरन हमारे चारों ओर बहुत सारे अवसर, बहुत सारे संसाधन बिखरे पड़े हैं, हमें उन अवसरों को पहचानना है, उन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए ये जानना है, और उसके जरिए अपने लिए उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर तलाशने हैं। तो हमारे कौशलम कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है छात्रों से दिमाग से ये बात हटा लेना कि नौकरी ही एकमात्र विकल्प है, और उनमें उद्यमिता की मानसिकता का विकास करना, उन्हें 21वीं सदी के कौशलों में दक्ष बनाना, ताकि वो उद्यमिता को एक कैरियर विकल्प के रूप में चुन सकें, और छोटी मोटी नौकरियों के लिए अपने क्षेत्र से पलायन करने के बजाय अपने क्षेत्र में ही रुक करके
अपने चारों ओर के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनी क्षमताओं को पहचान करके और जो अवसर हमें उपलब्ध हो सकते हैं उनका संपूर्ण दोहन करके उसके आधार पर अपने लिए रोजगार का सृजन कर सकें, साथ ही साथ दूसरों को भी नौकरी दे सकें। यानी कुल मानसिकता यह है कि नौकरी की खोज करने वाला से के बजाय नौकरी देने वाला बनने की मानसिकता का विकास हो जाए। तो ये हमारा एकमात्र उद्देश्य इस कौशलम कार्यक्रम के जरिए। और जैसे मैंने पहले चर्चा की, ये कौशलम कार्यक्रम में हमने दो चीजों को ही ले रखा है, उद्यमिता की मानसिकता और 21वीं सदी के कौशल। और 21वीं सदी के कौशल भी हमने चार ले रखे हैं, उस पर अभी आगे बात होगी। तो इससे पहले हमने चर्चा की थी कि जरा पीछे वाली स्लाइड, पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हमने चर्चा की थी कि कौशलम कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, तो इसमें एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। ये कौशलम कार्यक्रम जो है इस समय हम 1000 विद्यालयों में चला रहे हैं पूरे 13 जनपदों के, और तीनों कक्षाओं के लिए चल रहा है, कक्षा 9 के लिए, कक्षा 10 के लिए और कक्षा 11 के लिए। कक्षा 9 में जो कार्यक्रम है वो टोटल 33 घंटे का है, हर हफ्ते हम 2 वादन आवंटित करवाए गए हैं। कक्षा 10 में केवल 15 घंटे का है, इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि इसमें ध्यान रखा गया है, क्योंकि कक्षा 10 बोर्ड वाली कक्षा है तो इसलिए उनको अधिकांश समय अपने मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रहे, इसके लिए हमने केवल 15 आवासीय इस करिकुलम को रखा है। और 11th का जो टोटल करिकुलम है वो 25 घंटों का है। और जो ये कौशलम कार्यक्रम है या जो इसकी हमने पाठ्यचर्या विकसित की गई है, इस पाठ्यचर्या में 8 तत्वों को समाहित किया गया है, 4 माइंडसेट्स यानी कि मानसिकता है और 4 21वीं सदी के कौशल 21st Century Skills। ये जो आपको गोले दिखाई दे रहे होंगे, इन गोलों के अंदर 2 अलग अलग रंग के हैं, एक नारंगी रंग के गोले हैं और 4 नारंगी रंग के गोले हैं और 4 पीले रंग के गोले हैं। तो जो नारंगी रंग के गोले हैं उनके अंदर हमने 21वीं सदी के कौशलों को लिखा हुआ है, जैसे कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इनके बारे में आगे चर्चा होगी, क्षमा कीजिए। और ये जो 4 पीले रंग के गोले हैं उनके अंदर हमने 4 उद्यमिता की मानसिकताओं को रखा हुआ है, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रिट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो जो हमारी ये कौशलम पाठ्यचर्या विकसित की गई है तीनों कक्षाओं के लिए, उस कौशलम पाठ्यचर्याओं में इन 8 चीजों को ही समाहित किया गया है। हम इस पाठ्यचर्या के जरिए बच्चों के व्यक्तित्व में ये 8 चीजें समाहित करना चाहते हैं, उद्यमिता की मानसिकताओं को और 21वीं सदी के कौशलों को, ताकि भविष्य में वो उद्यमिता को अपना करियर बना सके। अब हम बात करते हैं उद्यमशील मानसिकता क्या है, हम उसके जरिए बच्चों में क्या क्या भावनाएं विकसित करना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें समाहित करना चाहते हैं। तो हमने इन पाठ्यचर्या में, तीनों कक्षाओं की पाठ्यचर्या में 4 उद्यमशील मानसिकताओं को या उद्यमिता की मानसिकताओं को लिया गया है। एक है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता, इसके अंदर भावनात्मक जागरूकता, आत्ममूल्यांकन और आत्मविश्वास। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि बच्चा या युवा अपनी क्षमताओं के बारे में जागरूक रहे, उसको पता होना चाहिए कि उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, साथ ही साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके चारों ओर कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं और उसके चारों ओर कौन कौन से अवसर मौजूद हैं जिनका कि दोहन किया जा सकता है। तो ये जो पाठ्यचर्या में हमने इन 4 उद्यमशील मानसिकताओं को रखा गया है, तो इन उद्यमशील मानसिकताओं का विकास हम बच्चे के व्यक्तित्व में करना चाहते हैं। तो यदि बच्चा स्वजागरूक होगा तो यानी उसको पता होगा कि उसकी क्षमता क्या है, हम ये प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक युवा को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी ताकत क्या है, किस फील्ड में वो आगे काम कर सकता है, साथ ही साथ उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी कमजोरी क्या है ताकि उस कमजोरी को दूर कर सके, वो अपना आत्म मूल्यांकन कर सके, स्वयं असेसमेंट कर सके कि वो कौन सा कार्य ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है और किसी भी कार्य को करने का उसमें आत्मविश्वास पैदा हो। तो इस स्वजागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस के जरिए बच्चों में इन चीजों का हम विकास करना चाह रहे हैं इस पाठ्यक्रम के जरिए। दूसरा, धैर्य व दृढ़ता यानी ग्रिट जिसे हम कह रहे हैं। धैर्य दृढ़ता का मतलब है कि किसी भी लक्ष्य के प्रति लगातार सतत रूप से लगे रहने की क्षमता। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले प्रयास में ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, पहले, दूसरे या तीसरे
प्रयास तक हमको कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जब असफलताएं आती हैं तो व्यक्ति ज्यादातर निराश हो जाता है। लेकिन ग्रिट का अर्थ ही यही है कि सतत रूप से किसी लक्ष्य के पीछे लगे रहने की क्षमता, चाहे कितनी भी असफलताएं, लेकिन वो निराश ना हो बल्कि असफलताओं से सीखकर आगे बढ़े। तो इसके जरिए जो ये ग्रिट वाली भावना है, इसके जरिए हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को कैसे निर्धारित किया जाता है, उन लक्ष्यों पर सतत रूप से आगे कैसे बढ़ा जाता है, और प्रभावी ढंग से किसी लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रह करके उसको कैसे प्राप्त किया जा सके, ये धैर्य दृढ़ता के अंतर्गत सिखाया जाता है। तीसरी चीज जो उद्यमिता की मानसिकता हम इस पाठ्यचर्या के जरिए समझाना चाह रहे हैं या बच्चों के व्यक्तित्व में समाहित करना चाह रहे हैं, वो चीज है ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीजें आजमाना। हमारे मानसिकता में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम रिस्क उठाने से डरते हैं, नई नई चीजें आजमाने से डरते हैं। हमें ये क्षमता नहीं है कि हम कोई नई चीज को आजमाएं और उसके आधार पर अपने करियर को डिसाइड कर सकें। हम एक बंधी बंधाई लकीर पे चलना चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए बस ठीक है। लेकिन जो भी उद्यमशील व्यक्ति होता है वो हमेशा नई नई चीजें, नई चीजें आजमाता है, नए नए रिस्क उठाता है। और रिस्क भी क्या होते हैं, एक कैलकुलेटर रिस्क जिसे हम बोलते हैं, संतुलित। तो इसमें नई चीजें आजमाने में बच्चे में जिज्ञासा होनी चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और चीजों के प्रति उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, अपने परिवेश के प्रति, अपने क्षमताओं के प्रति और अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति, उसके उसके मन में सकारात्मक भावना होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो नई चीजों को आजमा करके, नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करके कैसे अपने करियर को बनाया जा सकता है, ये ट्राइंग न्यू थिंग्स के अंतर्गत समझाया जाता है। और जो चौथी उद्यमिता की मानसिकता इस कौशलम के जरिए हम बच्चों के व्यक्तित्व में भरना चाहते हैं, वो है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता या स्वतंत्रता। यानी जब बच्चा अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक होगा, उसको मालूम होगा कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, साथ ही साथ उसमें किसी लक्ष्य के प्रति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून बना रहेगा और उसमें रिस्क उठाने की क्षमता भी होगी, तो वो स्वतंत्र रूप से निर्णय भी ले सकता है, अपने करियर के प्रति निर्णय ले सकता है कि उसको क्या करना है भविष्य में। और जो जो जिन बातों पे विश्वास करता है, जो उसने अपने लिए मूल्य निर्धारित करे हुए हैं, उन पे वो टिका रह सकता है। तो ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता है। तो इस तरह से ये जो कौशलम पाठ्यचर्या है उसके अंतर्गत हमने इन चार उद्यमशील मानसिकताओं को समाहित किया हुआ है और हम चाहते हैं कि ये बच्चे के व्यक्तित्व में आ जाएं, ताकि बच्चा भविष्य में केवल नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपने आप उद्यमिता के क्षेत्र की ओर अग्रसर हो सके। तो ये उद्यमशील मानसिकता है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो तब बात आती है 21वीं सदी के कौशल। जैसा पहले भी चर्चा हो चुकी है कि पूरी कौशलम पाठ्यचर्या या कौशलम पूरा कार्यक्रम दो मुख्य स्तंभों पर आधारित है, पहला उद्यमशील मानसिकता और दूसरा 21वीं सदी के कौशल। मैं टेक्निकल टीम से थोड़ा निवेदन करूंगा कि अगली स्लाइड चलाएं। 21वीं सदी के कौशल, तो यहां हमने चार लर्निंग कौशल्स लिए हुए हैं और इनको हमने 4 C's नाम दिया हुआ है। नंबर एक है कम्युनिकेशन, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा क्रिएटिव थिंकिंग और चौथा कोलेबोरेशन। ये 4 C's हैं और ये 21वीं सदी के कौशल हैं, इनको लाइफ स्किल्स भी कहते हैं, जीवन कौशल भी कहते हैं। हमारे बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो कम्युनिकेशन में उतने स्किल्ड नहीं है, उतने दक्ष नहीं है, संवाद में दक्ष नहीं है। और जब भी यदि किसी को अपना चाहे नौकरी ही करता हो कोई व्यक्ति, या चाहे किसी को अपना पारिवारिक बिजनेस ही आगे बढ़ाना है, या अपने लिए कोई स्वरोजगार या नया उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो कई लोगों से, कई सरकारी अधिकारियों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने की आवश्यकता पड़ती है, उन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। उसके लिए जरूरी है कि बच्चे में संवाद कौशल हो। तो इस पाठ्यक्रम के जरिए हम बच्चों को संवाद कौशल में भी दक्ष बनाना चाह रहे हैं। तो संवाद एक तरफा नहीं होता है। संवाद का मतलब होता है कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता, साथ ही साथ दूसरे की बात को समझने की क्षमता,
दूसरे को सुनने का धैर्य, ये संवाद कौशल के अंतर्गत आता है। तो संवाद कौशल के जरिए बच्चों को हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जहां पे जो बात की जा रही है कि आखिर उस बात का संदर्भ क्या है। संवाद कौशल का सीधा मतलब होता है कि टू द पॉइंट बात करना, बात जिस संदर्भ में बात हो रही है उसी संदर्भ में बात को आगे बढ़ाना, और दूसरा बातचीत को एक सही दिशा में ले जाना। तो बच्चे में अपने बच्चे में ये क्षमता होनी चाहिए कि जो कुछ वो सोचता है उस सोच को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने रख सके, दूसरे को समझा सके अपने विचारों को, साथ ही साथ दूसरे के विचारों को सुन सके और उनको समझ सके। तो ये संवाद कौशल के अंतर्गत आता है। तो ये संवाद कौशल इस पाठ्यचर्या में, इस पाठ्यचर्या के जरिए हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज है तार्किक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी चीजों का, परिस्थितियों का, उनका विचारों का विश्लेषण करना। सबसे पहली बात होती है कि समस्या को, किसी समस्या को पहचानना, उस समस्या के हर पहलू पर चिंतन करना, उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए इस पर चिंतन करना, साथ ही साथ ये सोचना कि मेरी क्षमताएं क्या है, उन क्षमताओं के आधार पर मैं क्या कर सकता हूं। तो ये सब कुछ तार्किक चिंतन में आता है। विचारों और सूचनाओं का विश्लेषण करना, यानी हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे पास जो सूचना ज्ञान आता है, उसको विश्लेषित करना, उसके आधार पे अपने लिए कुछ निर्णय लेना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन कहलाता है। बच्चा तार्किक चिंतन के जरिए ये समझ सकता है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या उसके लिए सही नहीं है। तीसरी चीज रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन के जरिए ही हम नए नए चीजों का अन्वेषण करते हैं, और हमारे यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग की ही सबसे ज्यादा कमी रहती है। हम एक बंदी बंदाई लकीर पे चलते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया हम भी वैसे ही करेंगे, जबकि हमारे छात्रों में बहुत सारी क्रिएटिविटी है लेकिन हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। तो कौशलम कार्यक्रम के जरिए हम बच्चों की छात्रों की रचनात्मकता को उभारना चाहते हैं और उसको एक सही दिशा प्रदान करना चाहते हैं। रचनात्मक चिंतन के जरिए बच्चों जानकारी के स्रोतों की पहचान कर पाएंगे, उनके दिमाग में नए नए विचार आएंगे तो नए नए आइडिया आएंगे, उन नए नए आइडियाज को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कैसे उनको क्रियान्वित किया जा सकता है, इसके बारे में सोच पाएंगे। और मौलिक विचार आना ये सबसे बड़ी बात है, और सबसे मेन बात है आइडिया तो दिमाग में आए, वो आइडिया बाद में ये क्रिएटिव थिंकिंग के जरिए सोचा जाएगा कि वो आइडिया क्रियान्वित करना संभव है या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन दिमाग में कोई ना कोई नया विचार आना चाहिए। तो ये रचनात्मक चिंतन का पहलू है। और दूसरा सबसे अंतिम है सहकार्यता, कोलेबोरेशन, क्योंकि वर्तमान समय में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आप अकेले रह के नहीं कर सकते, या हम अकेले रह के कोई काम नहीं कर सकते, हम हमेशा एक टीम के रूप में काम करते हैं। और उद्यमिता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक टीम के रूप में काम करना, तो इसे हम कोलेबोरेशन या सहकार्यकर्ता कहते हैं। जब हम एक दूसरे की क्षमताओं को पहचानते हैं, ये जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या, कौन सा काम अच्छे ढंग से कर सकता है और मैं कौन से काम को अच्छे ढंग से कर सकता हूं, साथ ही साथ अपने विचारों को दूसरों तक समझाया, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया, उसके बाद विचार विमर्श करके एक दूसरे को काम बांटना, और वैचारिक रूप से असहमत होने के बावजूद भी मिलकर काम करने की क्षमता, ये भी हो सकता है कि हम जो जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हो हम सभी के विचार ना मिलते हो, लेकिन वैचारिक असहमति के बावजूद भी मिलकर काम को कैसे किया जाता है, कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब कोलेबोरेशन के अंतर्गत आता है। तो ये चार 21वीं सदी के कौशल। तो इस प्रकार से हमने इस पूरी पाठ्यचर्या को चार उद्यमिता की मानसिकताओं और चार 21वीं सदी के कौशलों पर तैयार किया है, और इस पाठ्यचर्या के जरिए छात्रों में इन उद्यमिता की मानसिकताओं और 21वीं सदी के कौशलों का विकास हम करना चाहते हैं। तो ये एकमात्र ये उद्देश्य इस कौशलम कार्यक्रम का है। और हम मैं बार बार कहूंगा कि सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इसके जरिए हम छात्रों तक ये बात पहुंचा सकें कि नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे चारों बहुत सारे अवसर और बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, हम उन अवसरों और संसाधनों का दोहन करके अपने लिए ज्यादा बेहतर विकल्प उद्यमिता के क्षेत्र में चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उद्यमशील मानसिकता होती क्या है, उसके जरिए क्या गेन किया जा सकता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो उद्यमशील मानसिकता
वो मानसिकता है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी पसंद के क्षेत्र में बदलाव लाने में सक्षम हो पाता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूंगा कि अपनी पसंद के क्षेत्र में बदलाव लाना। तो मैं आपसे एक उदाहरण साझा करना चाहूंगा, जैसे स्विगी या जोमेटो है या ओला या उबर है, आपने इनका नाम सुना होगा। हम स्विगी या जोमेटो को लेते हैं तो ये रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज हैं और ओला और उबर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनीज हैं। तो यहां पे बात आती है उद्यमिता की, आइडिया की और अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में बदलाव लाने की। जिन व्यक्तियों ने स्विगी या जोमेटो जैसी कंपनी स्थापित की उनका इंटरेस्ट रहा होगा हॉस्पिटैलिटी या रेस्टोरेंट के क्षेत्र में काम करने का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि स्थान की उपलब्धता, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट है तो उसके लिए जगह चाहिए, फिर बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, उसके बाद मैन पावर अलग से चाहिए, तो ये बहुत सारी चुनौतियां थी। लेकिन इन सब चुनौतियों से उन्होंने कैसे पार पाया, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उस जो ये फील्ड था हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र था उसके उसमें ही बदलाव कर दिया। उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने के बजाय एक ऐप बनाया और उस ऐप के जरिए अलग अलग रेस्टोरेंट को अपने साथ जोड़ा और बिना कोई रेस्टोरेंट का मालिक बने हुए आज हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में या होटलिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है स्विगी और जोमेटो। उसी तरह से ओला या उबर है, उनकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है, अपनी कोई ना कोई कार है, ना कोई ट्रक है, ना कोई बड़ी गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं ओला और उबर। तो ये क्या है, ये वो उद्यमिता की मानसिकता है जिसके जरिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में बदलाव ही कर दिया। यानी बिना गाड़ी खरीदे हुए, बिना कोई ऑफिस खोले हुए और बिना पूंजी लगाए हुए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खड़ा कर दिया। तो इसको हम कहते हैं ये हुई उद्यमिता की मानसिकता है। और ये हुआ नए नए आइडिया के पे काम करना और रिस्क उठाने की क्षमता, ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और इन्हीं चीजों को हम इस कौशलम पाठ्यचर्या के जरिए बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इस कौशलम पाठ्यचर्या के जरिए। तो हमारी सबसे बड़ी कमी अभी तक यही थी कि हम प्रधानाचार्यों को ये चीजें नहीं समझा पाए थे कि कौशलम पाठ्यचर्या वास्तव में है क्या या कौशलम कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या। तो आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के जरिए हम आप तक यही बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि अधिकांश हो ये रहा है कि लोग इसको एक हमारे साथी लोग, चाहे शिक्षक भी हों या प्रधानाचार्य भी हों, एक अतिरिक्त बर्डन के रूप में ले रहे हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और एलिमेंट्री लेवल से ही व्यावसायिक शिक्षा की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जब व्यावसायिक शिक्षा एक विधिवत कोर्स के रूप में शुरू हो जाएगा तो ये कौशलम कार्यक्रम ही व्यावसायिक शिक्षा का आधार बनेगा। तो इसने वैसे भी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के रूप में आना ही आना है 2-3 साल के अंदर, जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होती है पूरी तरह से। तो इसके जरिए, क्योंकि ये आपको भी अंदाज होना चाहिए, सरकार को तो अंदाज है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको तो अंदाज है कि हम सभी को नौकरी किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं, और वो भी भारत जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या वाले, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में। तो इसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम अपनी नई पीढ़ी को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उनके दिमाग में भावना भरें कि नौकरी किसी भी हाल में एकमात्र विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, हम उनका दोहन कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर दोहन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कुछ क्षमताएं होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए और हमारे अंदर वो उद्यमिता की मानसिकता होनी चाहिए। तो इस कौशलम कार्यक्रम का उद्देश्य उसी मानसिकता को बदलना है जो मानसिकता आज भी ये कहती है कि नौकरी करो, नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाला बनने की मानसिकता बच्चों में पैदा करनी है। हम अभी ये बात भी नहीं कर रहे कि हमें स्कूल में कोई ट्रेड सिखाना या करना है, पहले माइंड सेट बदलने की बात है। हमारा माइंड सेट अभी तक वही है कि नौकरी ही खोजनी है और उस माइंड सेट से बाहर निकालना है अपने बच्चों को और खुद भी बाहर निकालना है। हम ये सोचते हैं कि हम भी नौकरी मिल गई है तो सबको नौकरी मिलनी चाहिए, जो कि आप भी समझते हैं कि किसी भी हाल में संभव नहीं है। और उसका एकमात्र उपाय है कि हर कोई स्वरोजगार की ओर प्रवृत्त हो सके। तो तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड लगाते हैं, इससे पहली वाली कौन सी थी,
अच्छा हाँ, ये उद्यमशील मानसिकता और इस पे बात कर रहे थे। तो उद्यमशील मानसिकता लोगों को अपनी पसंद के क्षेत्र में बदलाव लाने में सक्षम बनाती है, और उद्यमशील मानसिकता जीवन के सभी क्षेत्रों में और हर कार्य में प्रासंगिक है। भाई हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नौकरी करनी ही नहीं है, हमारा कहना क्या एकमात्र इस कौशलम कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य ये है कि केवल उस मानसिकता से बाहर निकलना है जो मानसिकता आज भी कहती है कि नौकरी ही एकमात्र विकल्प है। तो इसलिए जब अगर हम कौशलम कार्यक्रम के जरिए बच्चों में जो योग्यताएं विकसित करना चाह रहे हैं उद्यमशील मानसिकता और 21वीं सदी के कौशल के रूप में, वो उनके जीवन के हर क्षेत्र में काम आएंगी, तब भविष्य में चाहे वो कोई नौकरी ही करे या अपना रोजगार स्थापित करे या अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए या उद्यमिता के क्षेत्र में ही करियर आगे बढ़ाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हर जगह ये जो उद्यमशील मानसिकता है और जो ये 21वीं सदी के कौशल है हर जगह बच्चे के काम आएंगे। और उद्यमशील मानसिकता के जरिए विद्यार्थी अपने मनपसंद पेशा अपनाने हेतु अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम हो पाते हैं। भाई उसके जरिए हम इस पाठ्यचर्या के जरिए बच्चों को ये जतलाना चाह रहे हैं कि वो समझें कि आखिर उनकी क्षमता क्या है, उनकी ताकत क्या है, किस चीज को वो आगे करियर के रूप में चुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब बच्चे में ये सेल्फ अवेयरनेस होगी, ग्रिट की भावना होगी, डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाएगी, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि उसके लिए कौन सा करियर विकल्प बेहतर हो सकता है। तो हम अब इस पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या है, जरा इसको आप ध्यान से देखिए इस स्लाइड को, कि हमने सीखने सिखाने के क्या तरीके रखे हुए हैं इसमें। और आपके पास जो आपके यहाँ शिक्षक हैं उन सभी के पास बुक्स भी होंगी तीनों कक्षाओं के लिए अलग अलग। तो तीनों कक्षाओं में कंटेंट भले ही अलग अलग होगा लेकिन तरीका हमने एक ले रखा है। कोई भी व्यक्ति सीखता कैसे है, या तो हम अपने अनुभव से सीखते हैं, और जीवन इतना लंबा नहीं होता कि अपने अनुभवों से ही सब कुछ सीखा जाए, तो हम शिक्षा लेते हैं दूसरों से। दूसरों से शिक्षा लेने का मतलब है दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। तो यहां जो हमने इस पाठ्यचर्या में जो कंटेंट रखा है वो इस ढंग से रखा है कि पहली बात है कि बच्चा अपने अनुभवों से सीखे। तो अपने अनुभवों से कैसे सीखेगा, उसके लिए इस पाठ्यचर्या में इन किताबों में अलग अलग ढंग की गतिविधियां दे रखी हैं, गतिविधि सत्र हैं, और वो गतिविधियां समूह में की जाने वाली गतिविधियां हैं। तो उन गतिविधियों को करके प्रयोग करके, प्रयोग के आधार पर जिसे हम कर रहे हैं करके सीखो, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रयोगात्मक अधिगम कहें या अनुभवात्मक अधिगम कहें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो ये अपने अनुभवों से सीखने का अवसर उसको बच्चे को उपलब्ध कराता है गतिविधियों के जरिए। और दूसरे के अनुभवों से कैसे सीखें, तो इसके लिए हमने इन पाठ्य पुस्तकों में कुछ सफलता की कहानियां या केस स्टडीज रखी हुई हैं। सफलता की कहानियों का मतलब है ऐसे व्यक्तियों या ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल कर लिया है। और यहां बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहे हम, या बहुत बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे सामान्य परिवेश में मौजूद हैं, जिन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करके, बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू करके अपने आप को किसी एक विशेष उद्यम में स्थापित कर लिया है, चाहे वो तब मशरूम पालन का हो या मौन पालन का हो या खेती का ही उद्यम हो, ऐसे उद्यम में इस ढंग से स्थापित कर लिया है उन लोगों ने अपने आप को कि स्वयं तो अपना रोजगार तो सृजित कर ही लिया है, साथ ही साथ दूसरों को भी रोजगार देने में सफल हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों की कहानियों और केस स्टडीज के जरिए भी बच्चे सीखते हैं, यानी उनके अनुभवों से सीख रहे हैं कि उन्होंने कैसे करके अपने आप को स्थापित किया। और उसके बाद जो कुछ सीखा गया उसको रीइन्फोर्स कैसे करें, उसको सुदृढ़ कैसे बनाएं, उसके लिए जरूरी है कि जो कुछ हमने सीख लिया उस पर एक बार चिंतन मनन करें, ध्यान से सोचें कि क्या क्या हमने सीखा। तो अपने अनुभवों से सीखने के लिए इस पाठ्यचर्या में गतिविधियां दे रखी हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए सफलता की कहानियां या केस स्टडी दे रखी हैं, और तीसरी बात कि उस जो कुछ सीखा उसको फिर से मजबूत करने के लिए अपनी सीख पर चिंतन मनन करने के लिए स्वयं से मिले, यानी रिफ्लेक्शन सत्र। इस पाठ्यचर्या में अलग अलग सत्र हैं, तो एक सत्र क्या है, हर इकाई के अंदर एक सत्र क्या दे रखा है, स्वयं से मिलें, यानी उसमें बच्चा क्या करता है, जो कुछ उसने सीखा अब तक उसमें फिर से चिंतन मनन करता है।
और उसके बाद सेल्फ एसेस करना कि मैंने कितना सीखा, मैं जो कुछ मुझे सिखाया गया या सीखने की जो कुछ मैंने कोशिश की उतने कितना पारंगत हुआ। तो उसके लिए बच्चा अपने आप अपना मूल्यांकन कर पाए उसके लिए फिर स्किल का सफर ये सत्र है। तो इस पाठ्यचर्या में एक बार फिर पीछे चलिए, इस पाठ्यचर्या में गतिविधि सत्र के जरिए अपने अनुभव से सीखने की बात हो रही है, सफलता की कहानियां और केस स्टडी के जरिए दूसरों के अनुभव से सीखने की बात हो रही है, और स्वयं से मिले इसके जरिए जो कुछ सीखा उस पर चिंतन मनन करके उसको और मजबूत बनाने की बात हो रही है, और स्किल का सफर इसके जरिए जो कुछ सीखा उसका स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट करने की बात की जा रही है। तो हम ये आप लोगों को प्रधानाचार्यों के साथ बहुत शॉर्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रेनिंग सेशन में हम शिक्षकों के साथ कर चुके हैं और बहुत विस्तार से कर चुके हैं ताकि वो पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या को पढ़ा सकें, लेकिन इसके जरिए हम आपके साथ हल्के बहुत संक्षेप में डिस्कस करके केवल ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि वास्तव में कौशलम कार्यक्रम है क्या, इसके जरिए हम करना क्या चाह रहे हैं और कर कैसे रहे। तो अब ये अगली स्लाइड पे आते हैं कि इसमें कक्षा 9 10 11 इन तीन क्लासेस के लिए इस समय ये क्लासेस ये कौशलम कार्यक्रम इन तीन कक्षाओं में चल रहा है, और तीनों कक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यचर्याएं विकसित की गई हैं। तो जो कक्षा 9 की पाठ्यचर्या है वो समस्या समाधान पे केंद्रित है, यानी उस पाठ्यचर्या के जरिए हम छात्रों को ये बताना चाह रहे हैं कि अपने आसपास की समस्याओं को कैसे पहचानें और उन समस्याओं के समाधान के लिए कैसे कैसे तरीके निकाले जा सकते हैं। इसके जरिए छात्र समस्या को पहचानना, यानी उस समय छात्र के दिमाग में ये भी रखना होता है कि छात्रों को ये भी सिखाते हैं कि भाई अगर तुम कोई समस्या आइडेंटिफाई कर रहे हो तो क्या उसका समाधान तुम्हारी क्षमता के अंतर्गत या तुम्हारे आसपास जो संसाधन मौजूद हैं उनके जरिए संभव है। तो छात्र ये सब सीखने में सफल हो पाता है कि कोई समस्या है उसकी पहचान कैसे करनी है और उस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, ये कक्षा 9 की पाठ्यचर्या में बताया गया है। तो यानी उसके उद्देश्य क्या है कि अपने आसपास के परिवेश की समस्याओं को समझकर और छोटी छोटी नवीन पहल करके सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर पाना। यहां समस्याओं में बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कई बार समस्याएं ही जो समस्या है उस समस्या के जरिए ही अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई समस्या है उस समस्या के समाधान में कोई व्यक्ति अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश सकता है। एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारे चारों ओर फैला हुआ कूड़ा एक समस्या है तो उसका समाधान अवसर भी दे सकता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कूड़े के जरिए बिजली बनाने का संयंत्र लगा लेते हैं, कूड़े का या वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए कंपोस्ट खाद का या अन्य प्रकार के संयंत्र लगा लेते हैं। तो इस तरह से एक समस्या का समाधान भी हो रहा है साथ ही साथ एक रोजगार का सृजन भी हो रहा है। कहीं बिजली की समस्या है तो बिजली की समस्या उसके समाधान करने के उसका समाधान क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने अपने जो छोटे छोटे घाटियों के गाँव में उन्होंने घराटों को पन बिजली उत्पादन का साधन बना लिया है, यानी गांव की समस्या गांव की बिजली की समस्या भी दूर हुई और बिजली उत्पादन के जरिए उसके रोजगार की समस्या भी दूर हुई। तो समस्या में अवसर कैसे ढूंढा जाए ये क्लास 9th की पाठ्यचर्या के जरिए हम समझाना चाह रहे हैं, और बाकी जो ये दो उद्देश्य हैं ये हर क्लास में समान है कि विभिन्न 21वीं सदी के कौशलों एवं मानसिकताओं पर समझ बनाकर वास्तविक जीवन परिस्थितियों में उनका उपयोग करने में सक्षम बनना और नई नई चीजें ट्राई करने का साहस और आत्मविश्वास विकसित करना आप स्वयं में। तो प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा के करिकुलम के लिए हमने 3 उद्देश्य रखे हुए हैं। दो उद्देश्य जो अंतिम 2 उद्देश्य हैं वो हर कक्षा में समान है और पहला उद्देश्य हर कक्षा के लिए अलग अलग है। कक्षा 10 की जो पाठ्यचर्या है वो रुचियों पर केंद्रित है, यानी छात्र ये समझ जाए कि उसकी वास्तविक रुचि क्या है, जिसे हम कई होता ना कईयों की हॉबी होती है, लेकिन एक उम्र होती है जब बच्चा दूसरों को देख करके किसी ने म्यूजिक में इंटरेस्ट लिया तो उसने बच्चा ये इंटरेस्टेड हो जाता है कि मैं भी म्यूजिक में आगे बढ़ूं, फिर दूसरे दिन उसकी हॉबी चेंज हो जाती है, फिर तीसरे दिन तीसरी हॉबी आ जाती है, लेकिन एक समय ये आता है ये जो 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं उनको साफ ये पता हो जाना चाहिए कि आखिर उनकी वो कौन सी रुचि है जिसको वो करियर के रूप में डेवलप कर सकते हैं।
ये रुचियों के सफर जो हमने इसका नाम दिया इस पाठ्यचर्य इस टेंथ के लिए कि रुचियों के सफर पर केंद्रित, रुचियों पर केंद्रित सफर, यानी छात्रों को यह एहसास दिलाना कि वो अपनी रुचि को पहचान सके और ऐसी रुचि को पहचाने जिसको वो करियर के रूप में डेवलप कर सकता है, उसको एक लक्ष्य बना दे कि उस रुचि को इतना पॉलिश करना है, इतना इतना आगे विकसित करना है कि उसमें वो इतना सक्षम बन जाए कि उसको करियर के रूप में डेवलप कर सके। तो अब बाकी दो जो पीछे, अभी पीछे चलिए पीछे, बाकी दो उद्देश्य तो वही हैं जो क्लास नाइन्थ में थे, और जो इलेवंथ का जो हमारा जो पाठ्यचर्या है वो उत्पाद पे आधारित है। हमने पहले बात की समस्याओं पे, फिर बात की बच्चों की रुचियां, तो ऐसा भी हो सकता है कोई समस्या ऐसी हो जो कोई बच्चा अपनी रुचि के आधार पे उसको सॉल्व कर सकता हो, तो उसके आधार पे वो कोई उत्पाद भी प्रस्तुत कर सकता है। और उत्पाद दोनों तरह से हो सकता है, वो या तो कॉन्क्रीट उत्पाद के रूप में या सेवा के रूप में, क्योंकि हम या तो कोई चीज बनाते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं, या कोई सेवा प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह ये सेवा, या शिक्षक, हम शिक्षक हैं तो हम भी सेवा ही प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा उत्पाद एक सेवा के रूप में है। और अगर किसी की कोई फैक्ट्री है, किसी ने मौन पालन किया, तो उसका उत्पाद एक शहद के रूप में, वस्तु के रूप में है। तो उत्पाद कक्षा 11 में हम बच्चों को ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई उत्पाद कैसे तैयार किया जा सकता है, उसका प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, किसी उत्पाद को तैयार करने के लिए क्या क्या उसके चरण होते हैं, किन किन चरणों में किस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अभी तक हमारा 11वीं तक चल रहा है, 12वीं में अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि 12वीं तक भी हो जाए और सारे विद्यालयों में हो जाए। तो ये हमारी 9वीं 10वीं और 11वीं की पाठ्यचर्या थी। तो ये आपको एक हल्का आइडिया आ चुका होगा कि जो हमारे आपके शिक्षक, आपके साथी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, वो वास्तव में क्या पढ़ा रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। अब हमने कार्यक्रम का मूल्यांकन कैसे हो रहा है, तो इसके लिए अभी जो किया जा रहा है मूल्यांकन, तो कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं कि जहां नियमित रूप से क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन हर जगह नहीं है। बहुत अधिकांश विद्यालयों में अभी तक किसी तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन इस साल या अगले साल से हम सतत रूप से कैसे मॉनिटरिंग की जाए, कैसे अनुसरण किया जाए, कैसे शिक्षकों को ऑन साइट सपोर्ट प्रदान किया जाए, इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। जब हम अगले साल की प्लानिंग बनाएंगे, कार्य योजना बनाएंगे, तो उसमें पूरा ध्यान रखेंगे कि अगले साल तक हर विद्यालय में कम से कम एक या दो बार कोई ना कोई मॉनिटरिंग के लिए पहुंच सके, ऑन साइट सपोर्ट के लिए पहुंच सके। लेकिन अभी तक क्या क्या किया गया मॉनिटरिंग के रूप में, तो प्रत्येक जनपद में 5 विद्यालयों को सैंपल विद्यालयों के रूप में चुना गया है। प्रत्येक जनपद के 5 विद्यालय ऐसे हैं जहां नियमित रूप से मॉनिटरिंग होती है, जहां हमने बेसलाइन सर्वे किया। बेसलाइन का मतलब एंट्री बिहेवियर जानना कि कौशलम कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले बच्चों की मानसिकता या बच्चों में बच्चों का मानसिक स्तर क्या था, उनका उद्यमिता के बारे में क्या विचार था, उनके क्या आइडियाज थे। और उसके अलावा जो ये कक्षाएं चल रही हैं उनका नियमित रूप से अनुसरण होता है, मॉनिटरिंग होती है वहां। लेकिन हर विद्यालय के बाद में केवल प्रत्येक जनपद में 5 ही विद्यालय ऐसे लिए गए हैं जहां नियमित रूप से कक्षा कक्ष अवलोकन होता है, शिक्षक और छात्र छात्राओं के साथ साक्षात्कार होता है, सफलता की कहानियों का संकलन उनके जरिए करवाया जा रहा है। और उन्हीं विद्यालयों में फिर एंड लाइन सर्वे भी होगा कि पूरा जनवरी फरवरी में, कि जब ये कार्यक्रम पूरा चल जाएगा तो उसके बाद उनमें क्या परिवर्तन आया ये देखने के लिए। और तब जो कुछ किया जाएगा उसके जो डाटा हमारा कलेक्ट होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसकी रिपोर्ट बना के सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मॉनिटरिंग की बात अभी हमने की। तो ये उन शिक्षकों, ये लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, आपके जनपद के वो 5 विद्यालय कौन है। हमने जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावती, सब जनपदों की, प्रत्येक जनपद के उन 5 विद्यालयों का नाम इसमें दिया गया है, जो 5 विद्यालय सैंपल के रूप में चयनित हैं जहां नियमित रूप से अनुसरण मॉनिटरिंग होती है। क्लासेस तो सब जगह चल रही हैं, लेकिन प्रत्येक जनपद में 5 विद्यालय ऐसे हैं जहां लगभग हर क्लास का मॉनिटरिंग होती रहती है। आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जनपद के वो 5 विद्यालय कौन से हैं सैंपल के रूप में चुने हुए। तो ये 13 जनपदों के। इसके अलावा
हमारे डाइट में जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है वहां प्रत्येक डाइट में दो दो समन्वयक, दो दो कोऑर्डिनेटर कौशलम कार्यक्रम के लिए नियुक्त हैं। और ये आपके शिक्षकों को मालूम होगा जो आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं क्लास में, लेकिन उनके अलावा जो हमारी सहयोगी संस्था है उद्यम लर्निंग फाउंडेशन, एक एनजीओ जिसके सहयोग से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, उस संस्था ने भी प्रत्येक जनपद में अपना एक एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। और वो ऑब्जर्वर उन पांच विद्यालयों का तो नियमित अनुश्रवण करता ही है, साथ ही साथ कभी कभी अन्य विद्यालयों में भी अनुश्रवण के लिए मौजूद रहता है। तो आपको अगर इस बारे में कुछ जानना हो या कोई जानकारी लेनी हो तो आप अपने जिले के ऑब्जर्वर का नाम और उनका फोन नंबर नोट कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये ध्यान से देख लीजिए, ये जनपदवार जिला पर्यवेक्षकों की सूची है। ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर हैं, ये उस संस्था के हैं जो संस्था उद्यम लर्निंग फाउंडेशन हमारे साथ यह कार्यक्रम संचालित कर रही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप ये इनके ऑब्जर्वर के नाम आपको जरूरत पड़ सकती है। और इस कार्यक्रम से संबंधित कोई अगर क्वेरी हो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, अगर उनके पास जवाब नहीं होगा तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर लेंगे, स्टेट पे या फिर जनपद स्तर पे डाइट से संपर्क कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कौशलम प्रगति प्रपत्र की। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने शिक्षकों को जो क्लास ले रहे हैं उनको आप अवश्य कहें कि प्रत्येक हफ्ते कौशलम प्रगति प्रपत्र अवश्य भरें। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है जो हर हफ्ते उनके पास पहुंचता है लिंक के जरिए, व्हाट्सएप चैट बोर्ड के जरिए। प्रत्येक शिक्षक व्हाट्सएप चैट बोर्ड से जुड़ा हुआ है और या फिर अपने जनपद के डाइट समन्वयकों के साथ जुड़ा हुआ है और उस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक शिक्षक के पास लिंक मौजूद रहता है या पहुंच जाता है और उस लिंक के जरिए एक कौशलम प्रगति प्रपत्र है हफ्ते में एक बार भरा जाना होता है। और इसको भरने में ऑनलाइन भरा जाएगा, इसको भरने जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको भरने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है। हफ्ते में एक बार भरा जाना है और 5 मिनट के अंदर भरा जाता है। और ये वो कौशलम प्रगति प्रपत्र, ये एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हमें प्रत्येक विद्यालय की सूचना प्राप्त हो सकती है कि इस विद्यालय में कौन सा सत्र चल रहा है, ये कौशलम पाठ्यचर्या कहां तक बढ़ी है, या इस विद्यालय में कौशलम कार्यक्रम संचालन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम क्या है वो भी हमें पता चल जाती है। और हम कोशिश करते हैं कि आगे जो आगे आने वाले सालों के लिए वो समस्याएं दोबारा से ना आए, उन समस्याओं का समाधान आगे आने वाले साल में कैसे किया जा सकता है उसके लिए हम योजना बनाते हैं। तो हमारा सभी प्रधानाचार्यों से निवेदन है कि आप अपने कौशलम अध्यापकों को कहें कि ये कौशलम प्रगति प्रपत्र हफ्ते में एक बार अवश्य भरें। इसको कृपया ध्यान से सुन लीजिए कि आपके अध्यापक कौशलम प्रगति प्रपत्र हफ्ते में, सप्ताह में एक बार अवश्य भरें, ताकि हमें वास्तविक स्थिति पता चल जाए कि कौशलम पाठ्यचर्या कैसे किस स्तर पर उस विद्यालय में चल रही है। और ये बहुत आसान है, मुश्किल से पांच मिनट पूरे उसमें लगता है और उसके जरिए वो लिंक जैसे ही खोलते हैं तो उनके सामने ये खुल जाता है। एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके ब्लॉक खुल जाएंगे, ब्लॉक वाली ये विंडो पॉप डाउन या पॉप अप हो जाती है। फिर जैसे ही ब्लॉक पे सेलेक्ट करेंगे तो विद्यालय का नाम आ जाते हैं, उस विद्यालय से वो खुद अपना विद्यालय सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कक्षा सेलेक्ट करेंगे, फिर उस कक्षा ये सेलेक्ट करेंगे कि अभी लास्ट सेशन कौन सा लिया, इकाई 2 चल रही है, 3 चल रही है, 4 चल रही है, और उस इकाई में भी कौन सा सत्र चल रहा है, ये सब सेलेक्ट होते हैं, क्लिक करके सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर डेट डालते हैं और उसके बाद कि विद्यालय में कितने कक्षा में कितने छात्र नामांकित हैं, उस दिन कितने प्रेजेंट थे, ये सारी चीजें वो भरते हैं और जैसे ही सबमिट करते हैं सारा डाटा हमारे पास आ जाता है। साथ ही साथ एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि आपको क्या समस्या आई, तो उसमें वो लिख लेते हैं और ये 5 मिनट के अंदर ही आराम से भरा जाता है। तो हफ्ते में 5 मिनट का समय शिक्षक आराम से देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन एक बार पुनः है कि अपने शिक्षकों को कहें कि ये कौशलम प्रगति प्रपत्र अवश्य भरें। इसके जरिए हमें पता चलता है कि वास्तविक
ग्राउंड लेवल पे वास्तविकता क्या है, और अगर कोई समस्या है तो इसी के जरिए वो समस्या भी हमारे पास पहुंच जाती है। अभी तक इस कौशलम प्रगति प्रपत्र के जरिए जैसे ये देखिए ग्रेड 9 कक्षा 9 में 1000 विद्यालयों में से 763 विद्यालयों ने भरना शुरू कर दिया था, कम से कम एक बार कौशलम प्रगति प्रपत्र भरा है, जबकि ये हर हफ्ते भरा जाना है, जिस भी हफ्ते क्लास ली गई हो उस हफ्ते इसको भरा जाना है। तो इस तरह से कक्षा 9 में इसके जरिए हमें पता चला कि जो जिन विद्यालयों में कौशलम चल रहा है वहां 31,000 विद्यालय कक्षा 9 में एनरोल्ड हैं, और अधिकतम 28,000 ये छात्र तक उपस्थित थे। उसी तरह से कक्षा 10 में 802 विद्यालयों से कौशलम, कक्षा 10 के 802 विद्यालयों के अध्यापकों ने हमारा कौशलम प्रगति पत्र एक बार भरा है, है कि नहीं? और जो 11th है, 11th में केवल 719 विद्यालयों ने, तो 11th 1000 विद्यालयों में नहीं है, 11th क्लासेस 900 के करीब विद्यालयों में ही चल रही है, लेकिन कक्षा 9 और 10 में 1000 विद्यालयों में कार्यक्रम चल रहा है, जबकि 1000 विद्यालयों से हमारे पास कौशलम प्रगति प्रपत्र के आंकड़े नहीं आए। तो इसलिए अपने शिक्षकों से अवश्य कहें कि वो इस प्रपत्र को जरूर भरें। और अभी तक हमने क्या क्या किया है, कक्षा 9 10 11 इनकी टीचर्स ट्रेनिंग हुई है, ये आपको मालूम है क्योंकि आपके टीचर्स ने ट्रेनिंग की और उसके बाद क्लासेस ले रहे हैं। और ये जो कक्षा 9 और 10 और 11 के लिए जो कौशलम शिक्षक संदर्शिका बनी है या पाठ्यचर्या बनी है, इनको विद्यालयों तक पहुंचाया गया, एक्शन कार्ड आपके स्कूलों तक पहुंचाए गए हैं, और जुलाई माह से कौशलम की कक्षाएं आपके विद्यालय में शुरू हो गई हैं। प्रत्येक जनपद से 5 विद्यालयों का चयन सैंपल विद्यालय के रूप में किया, जहां से हम बेसलाइन और इनलाइन सर्वे करेंगे और उनके साथ नियमित संपर्क में रहेंगे, और जो हमारे डाइट के लोग हैं वो भी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा जो हमारी सहयोगी संस्था उद्यम लर्निंग फाउंडेशन है, उनके लोग भी, उनके ऑब्जर्वर भी मॉनिटरिंग के लिए आते रहते हैं। और इन 5 विद्यालय जो हमने चुने हुए हैं, उनके जरिए, उन 5 विद्यालयों के जरिए, उनके ऑब्जर्वर के जरिए हम सफलता की कहानियों का संकलन भी करा। सफलता की कहानियों से मतलब है कि हमने इन किताबों में, इन पाठ्यचर्याओं में ऐसी कहानियां रखी हैं जो हमारे लोकल लोग हैं, और वो लोकल लोग, उन्होंने अपने आप को उद्यमिता के क्षेत्र में स्थापित कर लिया है और एक करियर के रूप में उन्होंने उसको चुन लिया है। अपने आप तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो दूसरों को नौकरी देने की स्थिति में भी आ गए हैं, और वो कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, बल्कि हमारे परिवेश से ही, सामान्य से, हम जैसे हमारी कम्युनिटी से ही उठे हुए लोग हैं, और कई कई तो बहुत यंग हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की कहानियों को, कि उन्होंने कैसे करके अपने आप को इस क्षेत्र में स्थापित किया, संक्षिप्त रूप में इन पुस्तकों में दिया गया, ताकि उनसे छात्र क्या हो सके, प्रेरित हो सके। और उसके बाद ये अब सबसे मुख्य है कि प्रधानाचार्यों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हम प्रधानाचार्यों से अभी तक संपर्क नहीं कर पाए थे, इसलिए कई जगह अभी तक हमारे पास, भले ये मैंने अभी तक अपने उच्चाधिकारियों से इसको शेयर नहीं किया, लेकिन कई विद्यालयों में अभी तक भी पीरियड एलोकेशन नहीं हुआ था, और कक्षा 10 में, कक्षा 11 में कई विद्यालयों में पीरियड एलोकेशन हुआ ही नहीं था। अब क्योंकि हम आपसे संपर्क नहीं कर पाए थे, प्रधानाचार्यों के लिए ओरिएंटेशन नहीं कर पाए थे, तो हम ये नहीं चाहते थे कि हम डायरेक्टली अपने उच्चाधिकारियों से कहें कि फला स्कूल ने अभी तक पीरियड अलॉट नहीं किया है, तो इसके लिए, इससे पहले हम आपसे संपर्क स्थापित करके एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम के जरिए आपसे संवाद स्थापित करना चाहते थे। और ये चाहते हैं कि यदि ऐसा है कि पीरियड अलॉट नहीं हुआ है, तो कृपया विधिवत पीरियड अलॉट करें, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय को इसके जरिए सीईओ के माध्यम से, मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लेटर गया, आधिकारिक रूप से पत्र गया है कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 तीनों कक्षाओं में 2-2 वादन प्रति सप्ताह कौशलम कार्यक्रम के लिए अलॉट किए जाएं, आवंटित किए जाएं, प्रत्येक कक्षा में 2 वादन प्रति सप्ताह। और अधिकांश जगह हो चुके हैं, 80% से 90% से ज्यादा विद्यालयों में चल रहा है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक पीरियड का आवंटन नहीं किया था, और उनका क्योंकि वो डाइट के जरिए और ये जो हमारा सहयोगी संस्था है उनके ऑब्जर्वर के जरिए हमारे पास सूची उपलब्ध है, वो मैं
यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है एक बार पुनः कि यदि आवंटन नहीं किया वादन का तो विधिवत आवंटित कर दिया जाए और दिसंबर माह में उसको विधिवत रूप से चलाया जाए। अगले वर्ष तो हम पूरे उससे, क्योंकि अगले वर्ष हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति आए, तब हम पूरा आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड रखेंगे और पूरा उच्चाधिकारियों के साथ भी संपर्क में रहेंगे कि कहाँ किस ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। तो आपसे सबसे पहली अपेक्षा यही है कि समय सारणी में वादन सुनिश्चित करिएगा। दूसरा ये सुनिश्चित करना कि ये बुक जो हमने पाठ्यचर्या बना रखी है, इस पाठ्यचर्या में जो कुछ कंटेंट दे रखा है वो एक सीक्वेंस में है। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए, इस पाठ्यचर्या में जो कुछ दे रखा है उसको उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम से पढ़ाया जाए जिस क्रम से ये पाठ्यचर्या में मौजूद है। ऐसा नहीं कि आज इकाई एक पे है तो कल इकाई तीन पे, फिर इकाई दो पे, उसी सीक्वेंस में पहले इकाई एक की, इकाई एक का सत्र एक, फिर इकाई एक का सत्र दो, फिर इस तरह से इकाई दो इकाई तीन, ऐसे जिस क्रम से बुक में दिया गया है उसी क्रम से कंटेंट को क्लास में पढ़ाया जाए। ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षकों के द्वारा ऐसा किया जाए। और सत्रों के संदर्भ में कैसा चल रहा है कार्यक्रम, इसके बारे में आप शिक्षकों से भी और विद्यार्थियों से भी उनके अनुभवों को साझा करें, उनके साथ उनके अनुभव सुने और उनको कैसा लग रहा है, वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में आप भी सजग रहें, आप भी उनसे शिक्षकों विद्यार्थियों के साथ संवाद में रहें। दूसरा, इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जरूरी है कि आप शिक्षकों के साथ नियमित संपर्क संवाद करते रहें कि ये कौशलम कार्यक्रम कैसा चल रहा है और इसमें क्या क्या, यदि कोई परेशानी है तो क्या आ रही है, और परेशानी अगर कुछ आ रही है तो उसको आप कौशलम प्रगति प्रपत्र में ऑनलाइन लिख के भेज सकते हैं। कई जगह तो हमने सीधे टीचर से क्योंकि हमारे पास लिख के आता है, जब वो ऑनलाइन मौजूद हो जाता है, ऑनलाइन कोई क्वेरी आ जाती है, तो कुछ एक जगह तो हमने डायरेक्ट टीचर से संपर्क भी किया है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सीधे सीधे कोशिश की है, तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, सत्र कौशलम की कक्षाओं में विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी उपस्थित रहें, ये भी सुनिश्चित करें। सबसे अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जगह क्या हो चुका है, हमने शिक्षक प्रशिक्षण तो कर दिया, किसी विद्यालय से 3 शिक्षक आए, उनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन उनमें से कुछ शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया। ऐसी स्थिति में फिर वो उस शिक्षक में, उस विद्यालय में कौशलम कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक फिर से अनुपलब्ध हो गए, अनअवेलेबल हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये है कि आप अगर आपके यहाँ जो जिसको ट्रेनिंग, जिस शिक्षक को ट्रेनिंग दी गई थी उनका ट्रांसफर हो चुका है तो किसी दूसरे टीचर को उसके लिए आप नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पाठ्यचर्या भले हमने प्रशिक्षण दिया लेकिन ऐसी है कि अगर कोई भी शिक्षक इसको, इस बुक को खुद पढ़े, स्वयं पढ़े और उसके आधार पर सत्र लेना शुरू कर दे तो 2-3 सत्र के बाद ही शिक्षक को अंदाज हो जाएगा कि इस कार्यक्रम को कैसे चलाना है। और एक सुझाव हमारा ये है, इस साल तो सुझाव है, अगले साल से हम इसको प्लान में ही रखेंगे कि 2 माह में एक बार बच्चों के साथ, जो कौशलम वाले बच्चे उनके साथ एक कौशलम मेला जैसा संचालित किया जा सकता है विद्यालय में, जैसे कभी प्रतिभा दिवस होता है उस दिन कर दिया, या कभी कोई दिवस होते हैं जैसे श्रीदेव सुमन की जयंती होती है या इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती होती है, इन जयंतियों पे छोटे मोटे कार्यक्रम के साथ साथ कौशलम मेला जैसा कार्यक्रम भी किया जा सकता है, जिसमें कौशलम कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने क्या क्या किया, उनके कामों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनके आपस में विचारों को साझा करना, ये काम किया जा सकता है। तो इस पे आप विचार करिए कि अभी अभी इस महीने 1-2 महीने में यदि ऐसे कोई दिवस आते हैं जिस दिन कुछ मनाया जाता हो, या फिर कोई प्रतिभा दिवस जैसी दिवस जो हम मनाते रहते हैं अंतिम शनिवार को, तो ऐसे किसी दिन 2 महीने में एक बार आप कौशलम मेला का भी आयोजन कर सकते हैं। और तीसरा, दूसरा ये है कि बच्चों को निरंतर आप भी प्रेरित करते रहें, और ये बात सबसे महत्वपूर्ण, ये बात कि एक बार पुनः कहूंगा कि हमें भी अपनी मानसिकता ये बना लेनी चाहिए कि सबके लिए नौकरी किसी भी हाल में संभव नहीं है। इतने बड़े देश में नौकरी पाने वाले युवाओं में से केवल 4-5% या ज्यादा से ज्यादा 15-20% युवकों को ही
युवाओं को ही सरकार या प्राइवेट कंपनियां नौकरियां दे सकती हैं, बाकी लोगों को अपने आप स्वरोजगार की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। और जब हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अब कौन सा सभी उद्यमी बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की तैयारी करता है तो जितने बच्चे तैयारी करें उतने सब नहीं निकलते हैं। तो वैसे ही अगर हमारी कक्षा में 10 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं हमारी कक्षा में, तो 50 बच्चों से कुछ तो नौकरी ही करेंगे, कुछ कोई और काम करेंगे, तो कुछ कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के अपने स्वयं ही उद्यमिता की ओर अग्रसर हो जाएंगे, उद्यमिता को एक करियर के रूप में चुन लेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों को हम ये करा रहे हैं उनमें से कम कुछ तो बच्चे स्वरोजगार की ओर बढ़ सके। तो आप ये भी ध्यान रखिए, बच्चों को स्वयं भी प्रेरित करिए, ये उनके दिमाग में बात बैठाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी की एक कमी है, हम किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जॉब के आधार पर करते हैं। अगर वो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो एक संभ्रांत व्यक्ति है या उसकी हैसियत ज्यादा है, और अगर कोई अपनी दुकान चला रहा है तो उसकी हैसियत कम है, जबकि ये गलत है। जो भी विकसित देश है, विकसित देशों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वहां सामाजिक हैसियत नौकरी के आधार पर नहीं तय होती। किसी विकसित देश में, यूरोप और अमेरिका में, यूरोप के अधिकांश देशों में स्थिति यह है कि एक सफाई कर्मचारी और वहां के प्रधानमंत्री की सामाजिक हैसियत दोनों, आर्थिक स्थिति अलग हो सकती है, आर्थिक हैसियत अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सामान्य सफाई कर्मचारी की सामाजिक हैसियत और देश की प्रधानमंत्री की सामाजिक हैसियत में कोई अंतर नहीं होता है। हमें उस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा जहां जो मानसिकता हमें यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति चाय की दुकान चला रहा है तो वो एक छोटा व्यक्ति है। कोई भी काम जो अनैतिक और अवैध नहीं है वो एक इज्जत का काम है, वो सम्मान का काम है। ऐसे व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा सही है और जो कानूनी रूप से भी सही है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को समाज में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंदर ये भावना विकसित करनी है कि आपकी हैसियत आपके जॉब के आधार पर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और जो काम आप कर रहे हैं उसके आधार, जो काम कर रहे हैं यानी वो काम न तो अनैतिक होना चाहिए न अवैध होना चाहिए, गैर कानूनी होना चाहिए। और अगर कोई काम अनैतिक और अवैध नहीं है तो वो चाहे कुछ भी है वो सब सम्मान का कार्य, कोई भी कार्य सम्मानजनक ही होता है। तो जब तक हम अपने बच्चों में ये भावना विकसित नहीं करेंगे और जब तक नौकरी के आधार पर समाज में बड़े और छोटे का विभेद करते रहेंगे, तब तक हम स्वरोजगार की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। और जब तक स्वरोजगार की ओर अग्रसर नहीं होते हैं तब तक हमारे देश का पूर्णता विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि जितने भी देश आज विकसित देश हैं वो वही देश हैं जहां अधिकांश व्यक्ति, जहां की मेजॉरिटी जनसंख्या उद्यमिता के क्षेत्र में काम करती है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो। यहां नौकरी करने वालों की संख्या कम है और स्वरोजगार वालों यानी अपना उद्यम चलाने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए वो देश विकसित भी है। तो हमें भी अपने छात्रों को उद्यमिता की ओर प्रेरित करना है, और इस कौशलम कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य वही है। एक बार पुनः कहूंगा कि किसी भी हाल में अपने छात्रों के दिमाग से ये मानसिकता हटानी है कि नौकरी ही एकमात्र विकल्प है। तो धन्यवाद। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं इस कार्यक्रम के बारे में तो हम उन पर चर्चा करना चाहेंगे। कोई भी स्वैच्छिक रूप से या कोई शंका है तो आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमारी समझ में होगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर जो तुरंत सॉल्व नहीं हो सकती है तो उसको आगे के लिए प्लान कर लेंगे कि ऐसी समस्याएं अगले साल के अगले सत्र में ना आए, हम ये पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी प्रश्न हो तो आप साझा कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद, एक बार सभी को नमस्कार, और हम आशा करेंगे कि आपकी समझ में इस कार्यक्रम के बारे में आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर बन गई होगी, और अब प्रधानाचार्यों से हमें अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। इस आशा के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।